साइना को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया से क्या बहाना बनाए वहां से निकलने के लिए, इसलिए उसने सोचा कि वो श्रेया के आने से पहले ही चली जाती है यहां से, क्योंकि राजवीर से इस वक्त मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था उसके लिए। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो फोन पर नहीं बता पाए, जरूर कोई बड़ी बात होगी, नहीं तो राज इस तरह मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाते। साइना टेंशन में श्रेया के कमरे में चक्कर काटती हुई खुद से बोली और फिर जल्दी से अपना पर्स और मोबाइल लेकर श्रेया के घर से निकल गई। और फिर ये सोचकर कि श्रेया कहीं उसे ढूंढने लगी और जब वो ना मिले तो कहीं श्रेया परेशान ना हो जाए, इसलिए रास्ते में वो एक मैसेज श्रेया को भी कर देती है। दूसरी तरफ श्रेया ज्वेलरी बॉक्स लाकर अपने कमरे में सभी सामान के साथ रख देती है और जब साइना उसे कहीं नहीं दिखती तो वो अपने पूरे कमरे में साइना को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे साइना कहीं भी नहीं मिलती। तो फिर वो वॉशरूम में भी चेक करती है और बाकी पूरे घर में भी देख लेती है, लेकिन फिर भी उसे साइना नहीं मिलती। तो वो पूछने के लिए अपनी माँ के पास जाती है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। श्रेया फोन हाथ में ही लिए होती है, इसलिए वो जल्दी से देखती है कि किसका मैसेज है, और साइना का नाम देखकर तो तुरंत ही मैसेज ओपन करके पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, आई एम सो सॉरी श्रेया, जाने से पहले तुझे बता नहीं पाई, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन तू फिक्र मत करना, तेरी शादी से पहले मैं आ जाऊंगी और तू अपनी बुआ की बेटी के साथ ब्यूटी पार्लर भी चली जाना, मेरा वेट मत करना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। साइना का ये मैसेज पढ़कर श्रेया को पहले तो बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना मोबाइल एकदम कस कर पकड़ लेती है और बोलती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या होता है भला, और बुआ की बेटी यानी रिया को तो मैंने पहले मना कर दिया था साथ ले जाने के लिए, उसका तो कितना मन था मेरे साथ चलने का, लेकिन। सोचते हुए श्रेया जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और उसने तुरंत ही अपना फोन निकालकर साइना का नंबर डायल किया, लेकिन पूरी बेल जाने के बावजूद भी दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुई और थोड़ी देर बाद तो नंबर ही बिजी बताने लगा। ऐसा क्यों करती है यार तू, मेरे इतने स्पेशल डे पर मुझे क्यों सता रही है, कौन सा बदला ले रही है। श्रेया गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंकती हुई बोली और फिर खुद भी बेड पर ही बैठ जाती है। आर्यन अपनी बाइक लेकर अपने घर से बाहर निकलता है। शाम के लगभग 5 या 6 बजने वाले थे और अंधेरा भी लगभग होने ही वाला होता है। जब संजना उसे बताती है कि रायमा का कॉल नहीं लग रहा, तब से ही आर्यन को रायमा की फिक्र होने लगती है और वो जल्दी से अपने मोबाइल से भी रायमा का नंबर डायल करता है, लेकिन उसके मोबाइल से भी रायमा को कॉल नहीं लगता और इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। घर से थोड़ा दूर आने के बाद आर्यन अपनी बाइक रोक देता है और उस पर बैठे हुए ही कुछ सोचने लगता है। फिर अपना मोबाइल निकालकर वो बारी बारी रायमा के फ्रेंड्स के पास कॉल करता है, लेकिन रायमा किसी के भी साथ नहीं होती है इस वक्त। और फिर आखिरकार आर्यन रायमा के घर का नंबर डायल करता है, लेकिन कॉल रिसीव होने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर देता है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, उसके घर पर कॉल किसी और ने रिसीव किया, अगर उसकी मम्मी या पापा ने तो क्या कहूंगा मैं उनसे कि मुझे रायमा की फिक्र हो रही थी, वो कहाँ है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा। दो बेल जाते ही कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आर्यन खुद से बातें करता हुआ बोलता है, डैम क्या करूं अब, किसे कॉल करूं, कैसे पता करूं रायमा कहाँ है, ठीक है भी या नहीं। आर्यन अपनी बाइक की टंकी पर जोर से हाथ मारता हुआ बड़बड़ाता है, एक काम करता हूँ घर ही चला जाता हूँ, बोल दूंगा कि साइना भाभी ने कोई सामान लेने भेजा है, हाँ ये ठीक रहेगा। मन में सोचते हुए आर्यन अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होता है। आर्यन अपनी स्क्रीन पर देखता है तो ये रायमा के घर का लैंडलाइन नंबर होता है जिस पर अभी कुछ देर पहले ही उसने मिस कॉल की थी। उस नंबर से आती हुई कॉल देखकर आर्यन दो पल को सोच में पड़ जाता है कि कॉल रिसीव करे या नहीं, और रिसीव करेगा तो उधर से पता नहीं कौन बोलेगा और फिर आर्यन भला क्या जवाब देगा। लेकिन फिर आर्यन एक ठंडी सांस भरता है और कॉल रिसीव करके मोबाइल अपने कान पर लगा लेता है और बोलता कुछ भी नहीं है। हेलो हेलो, आपने कॉल किया था अभी, दूसरी तरफ से आवाज आती है
वो आवाज किसी लड़के की होती है जिसे कि आर्यन पहचान जाता है। ये रायमा और साइना के छोटे भाई आरव की आवाज थी। आरव की आवाज सुनकर आर्यन को थोड़ी राहत मिलती है और वो जवाब में हेलो बोलता है और अपना नाम बताता है। ओ हाँ आर्यन भैया, क्या हुआ, आज आपने घर के नंबर पर कॉल किया? आरव ने आर्यन से कॉल पर पूछा। हाँ करना पड़ा क्योंकि मोबाइल फोन पर कॉल लग नहीं रहा था, आर्यन ने बताया। मेरे नंबर पर तो कोई कॉल नहीं आया भैया, आरव ने जवाब दिया। तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है और मैं तो रायमा के नंबर पर कॉल कर रहा था, आर्यन ने आरव से बताया। रायमा दी से क्या बात करनी थी आपको, आर्यन एकदम से बोला तो आरव ने पूछा। अरे वो मैं नहीं, भाभी को बात करनी थी, तुम उसे बुला दो, वही बात करेंगी। आरव के सवाल पर आर्यन थोड़ा सा झेपते हुए बोला। अरे लेकिन जब दोनों एक साथ ही होंगी तो कॉल पर क्यों बात करेंगी? आरव आर्यन की बात सुनकर बोला। क्या मतलब तुम्हारा एक साथ, साइना भाभी वहाँ आई थी क्या और एक साथ ही निकली है क्या वो दोनों? आर्यन को आरव की बात का मतलब समझ नहीं आया तो उसने पूछा। अरे नहीं साइना दी यहाँ नहीं आई, लेकिन श्रेया दी के घर तो गई है ना, और रायमा भी वही के लिए निकल गई है घर से 2 घंटे पहले ही, अब तक तो पहुँच भी गई होगी। आरव ने आर्यन को पूरी बात बताई। ओ अच्छा श्रेया के घर चली गई, मुझे लगा डायरेक्ट फंक्शन हॉल में ही जाएगी, ठीक है फिर मैं कर लूंगा बात वहाँ किसी के नंबर पर कॉल करके, आर्यन बोला। अरे लेकिन आपने तो अभी बोला था कि साइना दी बात करेंगी रायमा से और अभी बोला कि आप बात कर लेंगे, आर्यन की बात पर कंफ्यूज होते हुए आरव ने पूछा। अरे हाँ भाभी ही बात करेंगी, तूने सुना नहीं ध्यान से छोटे, चल बाय अब मैं रखता हूँ, बोलते हुए आर्यन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ये क्या हो गया था आर्यन भैया को, कितनी अजीब तरह से बातें कर रहे थे, बोलते हुए आरव ने भी रिसीवर टेबल पर रखा और वहां से चला गया। अच्छा श्रेया के घर के लिए निकल गई है रायमा पहले ही, लेकिन मोबाइल कहाँ रख दिया इस लड़की ने, जो कॉल नहीं लग रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है श्रेया के घर में, क्या करूं अब, श्रेया के घर जाऊं क्या, आर्यन फिर से सोच में पड़ गया। मुझे यहाँ बुलाकर कहाँ रह गए राज, और ये किसी बिल्डिंग का पार्किंग लॉट, ये कोई मिलने की जगह है, यहाँ कौन बुलाता है अपनी वाइफ को, वो भी इतने बिजी शेड्यूल से अर्जेंट आने को बोलकर। एक बड़ी सी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में खड़ी साइना चारों तरफ देखती हुई बड़बड़ा रही थी, क्योंकि उसे वहां पर काफी सारी गाड़ियों और 2-4 गाड़ी पार्क करने वाले और वहां से अपनी गाड़ी लेकर जाने वाले लोगों के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राजवीर तो उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, जिसने की साइना को कॉल करके यहाँ बुलाया था, इसलिए अब साइना को राजवीर पर गुस्सा आ रहा था कि वो श्रेया को नाराज करके बिना उससे बताए सिर्फ एक मैसेज करके यहाँ इतनी दूर राजवीर से मिलने आई थी, क्योंकि राजवीर फोन पर इतनी ज्यादा टेंशन में लग रहा था और अब वो पता नहीं कहाँ गायब था। एड्रेस तो यही का है पक्का, गलत जगह पर तो नहीं खड़ी हूँ मैं, लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट हो रहा है बस यहाँ। साइना राजवीर का भेजा हुआ मैसेज और एड्रेस चेक करती है और फिर उसके बाद टाइम देखती हुई बोली। तभी किसी ने पीछे से अपने हाथ से साइना का मुंह बंद किया और उसका एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर एक गाड़ी के पीछे कर लिया, एक ऐसी जगह जहां से कोई भी उन दोनों को देख न पाए। साइना अपने साथ हुई अचानक इस हरकत से पहले तो हकबका गई, लेकिन फिर जब उसे जाना पहचाना सा एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर राजवीर की शक्ल देखी, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई और फिर जैसे ही राजवीर ने उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाया वो बोल पड़ी। क्या है राज, ऐसा कोई करता है क्या, सीधे सीधे सामने नहीं। वो बोल ही रही थी कि राजवीर ने फिर से उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करा दिया और शांत रहने का इशारा करने लगा। साइना ने पलके झपका कर उसकी बात समझने का इशारा किया और फिर हाथ हटाने का इशारा किया। राजवीर ने धीरे से हाथ उठाया और साइना के कान के पास आकर बोला, आवाज मत करना नहीं तो उसका ध्यान हमारी तरफ ही हो जाएगा। उनका लेकिन किनका, साइना ने अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हुए एकदम धीमी आवाज में राजवीर से पूछा और राजवीर ने एक उंगली से एक कार के अंदर बैठे 2 लोगों की तरफ इशारा करते हुए साइना को उस तरफ देखने को कहा। वो कार वहां से लगभग 3-4 कार की दूरी पर थी जहां पर साइना और राजवीर खड़े थे, इसलिए साइना को ठीक से समझ नहीं आया कि उस कार में कौन है और राजवीर आखिर उसे क्या दिखाना और बताना चाह रहा है, लेकिन इतनी दूर से भी इतना तो साफ समझ आ रहा था कि उस कार में एक लड़का था जो ड्राइविंग सीट पर था और एक लड़की थी जो ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी।
रिया, रिया कहाँ चली गई? श्रेया अपने कमरे से बाहर निकलती हुई रिया को आवाज लगा रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसने सोचा कि शायद साइना ने ही कॉल बैक किया होगा, लेकिन फिर जब उसने स्क्रीन पर देखा तो कोई अननोन नंबर था। पहले तो उसने सोचा कॉल डिस्कनेक्ट कर दे, लेकिन इस वक्त शादी के फंक्शन की वजह से इतने सारे अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, किसी न किसी काम को लेकर या किसी चीज के बारे में पूछने के लिए। इसलिए उसने सोचा कि शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो, इसलिए श्रेया ने वो कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कौन? श्रेया ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। रिया, रिया कहाँ चली गई? श्रेया अपने कमरे से बाहर निकलती हुई रिया को आवाज लगा रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसने सोचा कि शायद साइना ने ही कॉल बैक किया होगा, लेकिन फिर जब उसने स्क्रीन पर देखा तो कोई अननोन नंबर था। पहले तो उसने सोचा कॉल डिस्कनेक्ट कर दे, लेकिन इस वक्त शादी के फंक्शन की वजह से इतने सारे अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, किसी न किसी काम को लेकर या किसी चीज के बारे में पूछने के लिए। इसलिए उसने सोचा कि शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो, इसलिए श्रेया ने वो कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कौन? श्रेया ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। हेलो श्रेया, मैं आर्यन, हाउ आर यू? दूसरी तरफ से आर्यन ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए फॉर्मेलिटी अदा की। आर्यन? कौन आर्यन? श्रेया को जैसे याद नहीं आया तो उसने थोड़ा सा सोचते हुए पूछ लिया। क्या श्रेया, तुम भी हद करती हो, साइना भाभी उनका देवर आर्यन शेखावत याद आया? आर्यन थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला। अच्छा आर्यन, हाँ हाँ बोलो, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी कि तुम ऐसे अचानक कॉल करोगे, बस इसलिए सोचा नहीं। श्रेया माफी मांगते हुए और सफाई देती हुई बोली। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी है ना तो काफी बिजी होगी, इसलिए याद नहीं होगा। अभी आज के लिए छूट है तुम्हें सब कुछ। श्रेया की बात पर आर्यन थोड़ा कूल बनते हुए बोला। अच्छा अच्छा, थैंक यू इतना डिस्काउंट देने के लिए। श्रेया भी हंसते हुए बोली। क्या हुआ दी, आप आवाज दे रही थी मुझे, कोई काम था क्या? रिया वहां पर आती हुई श्रेया से पूछती है। श्रेया उस वक्त कॉल पर बात कर रही होती है, इसलिए वो रिया को एक मिनट रुकने का इशारा करती हुई कॉल पर आर्यन से बोलती है। कॉल क्यों किया था, कोई काम था क्या? हाँ वो कुछ पूछना था। आर्यन थोड़ा हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में बोला। कुछ पूछना था मुझसे? श्रेया थोड़ा सा चौंकते हुए बोली। हाँ वो मेरा मतलब है, संजना को पूछना था कि राइमा वहाँ पर है क्या, संजना को कुछ बात करनी है उससे। आर्यन बहाना बनाता हुआ बोल रहा था। आर्यन बोल ही रहा था कि श्रेया उसकी बात बीच में ही काटती हुई बोल पड़ी। अरे एक मिनट, राइमा से बात करनी है तो उसके नंबर पर फोन कर लो, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। हाँ उसका फोन नहीं लग रहा है ना, इसलिए तो तुम्हारे पास कॉल किया मैंने, उसका नंबर काफी देर से नहीं लग रहा है। और फिर संजना ने घर पर फोन किया तो पता चला कि वो तुम्हारे घर के लिए निकल गई है 2 घंटे पहले ही, तो अब तक तो पहुँची गई होगी। आर्यन ने श्रेया को पूरी बात बताई। ये क्या है, दोनों बहनों ने मेरी शादी पर ही बहाना बनाकर इधर उधर जाने का प्लान बना रखा था क्या? आर्यन की बात सुनकर श्रेया धीमी आवाज में बुदबुदाई। क्या मतलब, राइमा वहां पर ही है ना? आर्यन को ठीक से समझ नहीं आया कि श्रेया ने क्या बोला, इसलिए उसने फिर से सवाल किया। नहीं है यहाँ पर, आई ही नहीं अब तक राइमा, मुझे लगा सीधे फंक्शन हॉल ही आएगी, और अभी तो साइना भी यहाँ पर नहीं है जिसे कि होना चाहिए। श्रेया काफी नाराजगी से बोली, लेकिन आर्यन ने तो ना तो श्रेया के बोलने के लहजे पर गौर किया और ना ही इस बात पर कि साइना भी अभी वहाँ पर श्रेया के घर में नहीं है। उसे सिर्फ जो पता करना था कि राइमा वहाँ पहुँची या नहीं, वो उसे पता चल गया था कि राइमा वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आर्यन की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ शायद ठीक है, मैं संजना को बता दूंगा, बोलकर आर्यन ने बिना श्रेया की आगे की बात सुने ही फोन काट दिया। हो क्या गया सबको आज ही, मेरी शादी है और सब मुझे ही परेशान करने में लगे हैं, किसी को जरा भी फिक्र नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड गायब है, उसकी बहन यहाँ आने का बोलकर अभी तक आई नहीं, और फिर उसके देवर के ऐसे अजीबोगरीब सवाल, ऊपर से मुझे अभी ब्यूटी पार्लर भी जाना है रेडी होने के लिए, और बारात आने से पहले वापस हॉल भी पहुँचना है। श्रेया थोड़ा झल्ला कर ये सारी बातें बोलती है, तभी ये सब सुनकर उसके पास ही खड़ी रिया जल्दी से उसके पास आती है और उसे शांत कराती हुई वो बोली, रिलैक्स श्रेया दी, आप क्यों टेंशन ले रही हो, ये लोग नहीं है तो ना सही, मैं तो हूँ ना आपकी बहन, और जब तक मैं हूँ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बताइए जो भी काम है मैं फटाफट कर दूंगी। हाँ रिया, अब तो बस तेरा ही सहारा है, और काम क्या, ब्यूटी पार्लर के लिए निकलना है,
कैब बुक कर दी है मैंने, आती होगी। तू सारा सामान ले ले मेरे रूम से और गेट तक चल, मैं मॉम को बताकर आती हूँ। रिया की बात सुनकर श्रेया उसकी तरफ आज भरी निगाहों से देखती हुई बोली और फिर अपनी माँ को ढूंढने चली गई। रिया भी उसके कमरे की तरफ चली गई। ओ माई गॉड, ये लड़का तो रोहन है शायद, है ना? ऐसा क्या किया इसने अब? और ठीक से दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन आपने मुझे इसे दिखाने के लिए बुलाया है इतनी दूर से। पता है श्रेया कितना नाराज होगी मुझसे इस वक्त। साइना ने उस तरफ देखने की कोशिश करते हुए और उस आदमी को पहचानते हुए कहा, पहली बात थोड़ा धीरे बोलो और जरा ध्यान से देखो। राजवीर साइना को चुप कराते हुए बोला, क्यों इतनी पहेलियां बुझा रहे हैं? सीधा बता दीजिए ना अगर आपको पता है कि कौन है, और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मेरा उस लड़के को देखना? इतनी दूर से साइना को जितना भी समझ आ रहा था, उसे तो यही लग रहा था कि वो लड़का रोहन ही है, लेकिन जब राजवीर ने उसे ध्यान से देखने को कहा तो वो थोड़ा सा खींचती हुई बोली, रोहन नहीं पीयूष है वो, रोहन का बड़ा भाई, वही जिसके साथ श्रेया की शादी हो रही है, हमारे दूल्हे राजा। राजवीर आखिरकार साइना के सवाल का जवाब देते हुए बोला तो साइना का मुंह हैरत से खुला रह गया और आंखें भी बड़ी हो गई, और उसी तरह हैरान होते हुए उसने राजवीर से कहा, इसे देखकर कौन कहेगा कि 4 घंटे में शादी है इसकी? कोई जल्दबाजी, फिक्र, खुशी या एक्साइटमेंट तो दिख ही नहीं रही है इसके चेहरे पर। उल्टा ये तो इतने इत्मीनान के साथ यहाँ पार्किंग लॉट में अपनी कार में बैठा हुआ है। सिर्फ इतना ही नोटिस किया तुमने? साइना की पूरी बात सुनकर राजवीर ने उससे सवाल किया, हाँ कुछ छूट गया क्या मुझसे? राजवीर की बात सुनकर साइना ने फिर से उस तरफ देखते हुए ही पूछा, वो जो लड़की है उस पीयूष मल्होत्रा के साथ, उसे नहीं देखा क्या तुमने? राजवीर बोला, देखा तो लेकिन उसका क्या? साइना ने नासमझी में सवाल किया और फिर राजवीर ने उसे कुछ इशारा करते हुए घूर कर देखा तो साइना जैसे उसकी बात का मतलब समझती हुई बोली, ओ माई गॉड, आर यू श्योर? साइना और राजवीर बात कर ही रहे थे कि तभी पीयूष ने अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया। उसका ध्यान राजवीर और साइना की तरफ एक बार भी नहीं गया, क्योंकि उसे शायद इस बात की कोई भनक भी नहीं थी। अरे ये लोग तो चले गए अब। साइना पीयूष की गाड़ी वहाँ से जाते हुए देखकर बोली, हाँ तो जाने दो, तुम्हें उससे हाय हेलो करना था क्या? राजवीर साइना की बात पर बोला, अरे नहीं लेकिन फोटो या वीडियो तो बना लेते हैं हम उन लोगों का साथ में, ऐसे बिना किसी सबूत के श्रेया या किसी को भी बताएंगे तो क्या ही विश्वास करेंगे वो हमारी बात पर। साइना थोड़ा परेशान होते हुए राजवीर से बोली, अच्छा और फोटो वीडियो देखकर सब हमारी बात का विश्वास कर लेंगे, इस बात का पक्का यकीन है तुम्हें? राजवीर ने साइना की तरफ देखते हुए सवाल किया, विश्वास करें या ना करें लेकिन अपनी बात बोलते वक्त हमारे पास उसका कुछ प्रूफ तो होना ही चाहिए ना कम से कम। साइना राजवीर की बात पर बोली, मेरे पास प्रूफ है क्योंकि इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं बोलता, तुम्हें यहाँ बुलाने से पहले ही सब कुछ पता किया है मैंने। राजवीर साइना की तरफ देखकर बोला, अच्छा तो फिर क्या पता चला, बताइए मुझे भी, और फिर शादी होने से पहले पहुँचना भी तो है हमें, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ तो मैं श्रेया की शादी नहीं होने दे सकती ना जिसकी लाइफ में पहले से ही कोई लड़की हो। साइना थोड़ा परेशान होती हुई बोली, हाँ सच में पता नहीं क्यों श्रेया से शादी कर रहा है ये पीयूष मल्होत्रा, बस ये वजह ही नहीं पता चल पाई मुझे ठीक से, लेकिन ये शादी तो अब नहीं होने देनी है, सब बताता हूँ लेकिन कार में बैठो पहले, रास्ते में बताता हूँ, हॉल भी तो पहुँचना है बारात आने से पहले। साइना राजवीर से बोला, बारात कहाँ से निकल जाएगी, अभी दूल्हा तो यही रास्तों में भटक रहा है, वैसे सच में ये बंदा शादी कर क्यों रहा है, जब ये किसी और के साथ है तो ऐसी भी क्या मजबूरी है इसकी भला जो मेरी फ्रेंड की लाइफ बर्बाद करने चला है। कार के अंदर बैठी हुई साइना थोड़ी नफरत से बोली। राजवीर भी आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने जल्दी से कार स्टार्ट की। कार ड्राइव करते हुए थोड़ी देर हो गई और राजवीर अभी भी एकदम सीरियस और शांत बैठा था, लेकिन साइना से चुप नहीं रहा गया तो उसने फिर से सवाल किया, बताइए भी अब आखिर कौन है वो लड़की, पीयूष की वाइफ या गर्लफ्रेंड, और क्या पता चला आपको? ऑफिशियली मैरिड तो नहीं है लेकिन 3 साल का रिलेशनशिप है शायद, समायरा सिन्हा नाम है उस लड़की का, 3 साल पहले ही उसने मल्होत्रा ऑफिस में एज अ पर्सनल असिस्टेंट ज्वाइन किया था, अब सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर है वो, और काम भी अब सिर्फ नाम का ही करती है, ऑफिस में लगभग सबको ही खबर है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। साइना के सवाल पर राजवीर ने एक के बाद एक खुलासे करते हुए जवाब दिया,
तो ये दोनों आपस में ही शादी क्यों नहीं कर लेते? इतना ही ज्यादा प्यार और रिलेशनशिप में है तो, वैसे रिलेशन तो है नहीं, तो कोई आदमी अपनी शादी के 4 घंटे पहले से पार्किंग लॉट में अपनी कार में किसी और लड़की से ऐसे ही तो मिलने नहीं आएगा। साइना भी पूरा माजरा समझती हुई बोली। राजवीर ने भी उसकी बात पर कार ड्राइव करते वक्त सामने देखते हुए ही सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर अपना मोबाइल फोन साइना के आगे करता हुआ बोला, इसमें आए हुए मैसेजेस चेक करो। बता रहीमा कहाँ है? तूने ही कहीं छुपाया है ना उसे? तूने ही किडनैप किया है? बता दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक सुनसान रोड पर रवि की कार के आगे अपनी बाइक रोककर रवि का कॉलर पकड़कर कार से निकलता हुआ आर्यन उससे गुस्से में पूछ रहा था, पागल हो गए हो क्या आर्यन? छोड़ो मुझे, और तुम क्या समझते हो खुद को? हाथ सिर्फ तुम्हारे ही पास है क्या? रवि भी उसी तरह गुस्से से भरी निगाहों से आर्यन को घूरता हुआ और अपने कॉलर पर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करता हुआ बोला, तुम्हारे हाथ तो शायद कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, लेकिन भूलना नहीं हम भी शेखावत हैं। अगर मेरी फैमिली में किसी को भी तुम्हारी हरकत के बारे में पता चल गया ना, तो फिर तुम्हें भी नहीं पता कि कितने दिन जेल में काटोगे। रवि की बात सुनकर आर्यन उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, अपने और अपने परिवार के नाम की धमकी ना किसी और को देना, मैं नहीं डरता इन धमकियों से, और मुझे नहीं पता कहाँ है रहीमा, कॉलेज भी नहीं आई थी आज तो। रवि एकदम सीरियस होते हुए बोला और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तुम इतने दिनों से उसके पीछे पड़े हो और उसने तुम्हें कभी भी भाव नहीं दिया, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो फिर भला तुम्हारे अलावा किसका हाथ हो सकता है रहीमा को गायब करने के पीछे? आर्यन उसका कॉलर छोड़कर थोड़ा सोचते हुए बोला, गायब? पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे गायब हो सकती है रहीमा कहीं भी? ठीक है, मैं पता करता हूँ और पता चलते ही तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि तुम शायद मुझसे भी ज्यादा परेशान हो उसके ना मिलने पर। आर्यन की उस हालत पर रवि उसे ऊपर से नीचे तक एक नजर गौर से देखता हुआ बोला, तेरे जैसों की ना जरूरत नहीं है मुझे कुछ भी पता करने के लिए, बस तू ना अपनी खैर मना, क्योंकि अगर इन सब में तेरा जरा सा भी हाथ हुआ ना, तो तेरी ये सारी एक्टिंग ना धरी की धरी रह जाएगी। रवि की बात पर आर्यन ने फिर से उससे धमकी देने वाले लहजे में ही बोला, कम ऑन आर्यन, मुझे ना कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भाव तो वो तुम्हें भी नहीं देती, और ये चीज नोटिस तो मैंने भी किया है, तो फिर हम दोनों अलग कैसे हैं? रवि ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ आर्यन की तरफ देखकर सवाल किया, बहुत बड़ा फर्क है हम दोनों में, बहुत ही बड़ा, और तेरे जैसा कम अक्ल और बेवकूफ इंसान तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, इसलिए मैं भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे रहीमा को ढूंढना इस वक्त कैसे भी करके। आर्यन ने भी एक व्यंगात्मक मुस्कुराहट के साथ रवि के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखा और उसका कॉलर ठीक करते हुए बोला। रवि ने भी झटके से अपना कॉलर ठीक किया और आर्यन ने अपना हाथ हटा लिया और फिर बिना जरा भी देर किए अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। ढूंढते रहो बस यहां से वहां मिस्टर आर्यन शेखावत, रहीमा तो तुम्हें मिलने से रही। आर्यन को वहां से जाता देख रवि मन ही मन ये सब बोलते हुए मुस्कुरा रहा था और फिर उसने अपना फोन निकाल कर किसी का नंबर डायल किया और बोला, रहीमा वही है ना? हाँ, उस आर्यन को शक था मुझ पर, लेकिन अब नहीं है शायद। दूसरी तरफ से जो भी बात हुई वो सिर्फ रवि ने ही सुने और इतना बोलकर ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। 2 घंटे पहले रोहन अपने घर पर होता है, तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होता है और वो बिना देखे ही कॉल रिसीव करके ब्लूटूथ से ही बात करने लगता है। अपने भाई पीयूष की शादी टूटने से बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है, Who the hell are you? और क्या बकवास कर रही हो? रोहन उठकर खड़े होते हुए बोलता है, बात तो तुम्हारे फायदे की ही है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी बकवास लगती है तो बाय। रोहन के एकदम से चिल्लाने पर उधर से वो लड़की भी थोड़ा तुनक कर बोली, लेकिन तुम हो कौन और आज शादी वाले दिन ही ऐसी बात क्यों? रोहन उसे कॉल डिस्कनेक्ट करने से रोकते हुए सवाल करता है, मतलब पूरी बकवास सुननी है? वो लड़की भी ताना मारने वाले अंदाज में बोलती है, अब अपने फायदे की बात रोहन मल्होत्रा ना सुने तो फिर कौन सुनेगा? रोहन भी पूरे एटीट्यूड में बोलता है, ठीक है फिर ध्यान से सुनो, तुम्हारे भाई का सीक्रेट अफेयर है, लेकिन फिर भी वो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से आज शादी करने वाला है,
वो लड़की एकदम शांत आवाज में बोलती है, क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरे भाई का कोई अफेयर नहीं है और उसकी शादी भी उसकी मर्जी से हो रही है। रोहन उस लड़की की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा करते हुए और अटकते हुए बोला, वो तो हम दोनों के बोलने के अंदाज से ही पता चल रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वैसे मुझसे क्या छुपाना, मुझे तो सारी बातें ही पता है। उस लड़की की एकदम शांत लहजे में आवाज आती है, अगर पता है तो फिर इसका फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल करने की बजाय आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। रोहन अब किसी भी तरह के झूठ बोलने या किसी भी तरह की सफाई देने की कोशिश ना करते हुए सीधा सीधा सवाल करता है, अब देखिए मुझे तो ये सारी बातें पता है, लेकिन इसके साथ ही किसी और को भी काफी कुछ पता चल गया है जिसका कि सीधा असर आपके भाई की आज होने वाली शादी पर पड़ सकता है। अब अगर आपको ये शादी टूटने से बचाना है तो मुझसे मिलना पड़ेगा। उस लड़की की आवाज आती है, पूछने का फायदा तो है नहीं कि आप हैं कौन, चलिए अब मिलने को बोला है तो निकलता हूँ मैं भी, आप बोलिए कहाँ मिलना है। रोहन अपना कोट पहनते हुए बोलता है, ठीक है आप निकलिए मैं एड्रेस मैसेज करती हूँ। बोलते हुए उस लड़की ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वर्तमान समय, ये क्या है राज, एक मिनट गाड़ी रुकिए। राजवीर के फोन में आए हुए मैसेजेस चेक करती हुई साइना अचानक से कोई मैसेज देखकर एकदम घबराती हुई राजवीर से बोली, क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया मेरे फोन में, किसका मैसेज है। राजवीर को समझ नहीं आता कि साइना आखिर अचानक से इतनी घबरा क्यों गई, इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक्स लगा देता है और गाड़ी वही बीच सड़क में रुक जाती है। ये रायमा की तस्वीर, किसका नंबर है ये, और ये मैसेज देखिए। बोलते हुए साइना की आवाज आधी गले में ही अटक रही थी और उसने राजवीर की तरफ फोन बढ़ा दिया। राजवीर ने भी हड़बड़ा कर जल्दी से साइना के हाथ से फोन ले लिया और उसमें देखते हुए बोला, ओ माय गॉड, इसका मतलब कोई हम पर नजर रखे हुए था या फिर शायद मुझ पर ही, लेकिन रायमा वो कैसे मिले इन लोगों को, अब हम क्या करेंगे राज, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि अगर हमने श्रेया की शादी रोकने या किसी को भी सच बताने की कोई भी कोशिश की तो वो लोग रायमा को, नहीं 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 हम ऐसा नहीं होने दे सकते, रायमा को कुछ नहीं होगा ना। साइना ने घबराते हुए राजवीर की तरफ देखकर पूछा, रिलैक्स साइना रिलैक्स, शांत हो जाओ प्लीज, तुम इस तरह घबराओगी तो फिर मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, प्लीज डोंट पैनिक, और कुछ नहीं होगा रायमा को, वो मेरी भी छोटी बहन की तरह ही है, आई प्रॉमिस मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। राजवीर साइना को संभालते और समझाते हुए बोला, लेकिन ये नंबर ये किसका है और कौन है ये जिन्हें हमारे हर कदम की जानकारी है, रायमा को भी अकेले नहीं निकलना चाहिए था घर से, लेकिन। साइना परेशान होकर एक के बाद एक चीजें सोचे जा रही थी। अब शादी से जुड़ा मामला है तो नंबर जाहिर सी बात है मल्होत्रा परिवार के ही किसी सदस्य का होगा, खासकर किसी ऐसे का जिसे कि पीयूष और उसके अफेयर के बारे में पता हो और फिर भी वो उसकी शादी करवाना चाहता हो। राजवीर साइना के सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हुए बोला, इसका मतलब रोहन, साइना थोड़ा सोच कर बोली, हाँ इतना कमीनेपन की हरकत तो वही कर सकता है, वैसे उसका भाई पीयूष और विक्रम भी तो उसके जैसे ही हैं, और बाकी घर के लोग जिन्हें हम नहीं जानते, क्या पता वो सब भी सब कुछ जानते ही हो। रोहन का नाम सुनकर राजवीर भी थोड़ी सहमति जताते हुए और फिर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, लेकिन रायमा को बचाने के लिए श्रेया की जिंदगी ऐसे खराब तो नहीं होने दे सकते ना हम, ऊपर से अब जबकि सारा सच हमें पता है, क्या करेंगे अब हम। साइना के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था, वो रायमा को लेकर परेशान थी तो दूसरी तरफ श्रेया की शादी भी ऐसे परिवार में तो अब बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी जो खुद तो गलत कर रहे हों, और अपना एक गलत छुपाने के लिए बड़ी से बड़ी गलती यहाँ तक कि गुनाह करने को भी तैयार बैठे हैं, और अपना सच छुपाने के लिए राजवीर और साइना को ब्लैकमेल करने के लिए रायमा को किडनैप करके उन लोगों ने खुद ही ये बात साबित कर दी थी कि वो लोग कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हैं। क्या करूं मैं, किसे बताऊं। रास्ते में एक किनारे पर अपनी बाइक रोककर आर्यन अपना फोन हाथ में पकड़कर सोच रहा था कि उसे तो रवि पर शक था, और अब जब रवि ने साफ इनकार कर दिया कि उसे रायमा के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो अब कहां जाकर पता करे रायमा के बारे में। उसका शक रवि पर से अभी पूरी तरह से हटा नहीं था, लेकिन रवि को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसने रायमा को किडनैप किया है। साथ ही वो ये सोच कर भी कंफ्यूज था कि रायमा वहाँ पर नहीं है, ये बात पता नहीं अभी तक सबको पता चली भी होगी या नहीं।
शादी ब्याह वाले माहौल में किसी ने रायमा पर ध्यान दिया भी होगा या नहीं, और साइना तो श्रेया के साथ ही शादियों के काम में लगी होगी और उसे बताने पर वो परेशान भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आखिर सगी बहन है रायमा उसकी। ऊपर से आर्यन खुद ही पिछले 3 घंटे से इतना ज्यादा परेशान था लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था, तो फिर आखिर वो ये बात बताए तो किसे बताए। बहुत देर हो गई है अब, भाभी ना सही लेकिन राजवीर भैया को तो बता ही सकता हूँ मैं। हाँ बता देता हूँ, वो जो भी सवाल करेंगे संभाल लूंगा मैं, लेकिन अभी रायमा को ढूंढना जरूरी है। खुद से बोलते हुए आर्यन अपना फोन निकाल कर राजवीर का नंबर डायल कर देता है। रिया के साथ कैब में बैठकर श्रेया पूरा रेडी होकर ब्यूटी पार्लर से वेडिंग हॉल जा रही थी। डार्क रेड और गोल्डन कलर के लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी और फुल ब्राइडल मेकअप में श्रेया एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी दुल्हन लग रही थी। उसके साथ बैठी रिया भी पूरी रेडी लाइट पीच कलर के लहंगे में थी। ब्यूटी पार्लर से फंक्शन हॉल अभी थोड़ी दूर था और श्रेया बेचैनी और नर्वसनेस में अपने हाथों के नाखून कुतर रही थी और साथ ही बार बार अपना मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर भी डायल कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उसके चेहरे पर टेंशन भी साफ नजर आ रही थी और इस वजह से एक दुल्हन के चेहरे पर होने वाली मुस्कुराहट और रौनक दोनों ही श्रेया के चेहरे से उस वक्त गायब थी। उसके साथ बैठी रिया काफी देर से श्रेया की इन हरकतों को नोटिस कर रही थी और शायद कुछ बोलना या फिर श्रेया को समझाना भी चाह रही थी, लेकिन बोलने से थोड़ा हिचकिचा भी रही थी। डोंट वरी दी, हम दोनों बस पहुंचने ही वाले हैं और आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, सब ठीक होगा। श्रेया की बेचैनी से कांपते हाथों पर अपना हाथ रखते हुए रिया उसकी तरफ देखकर बोली। रिया की बात सुनकर श्रेया ने भी सहमति से अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर बिना कुछ बोले ही कैब की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। श्रेया दी एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। श्रेया से इस तरह का रिएक्शन मिलने के बाद रिया ने आखिरकार श्रेया से बोल ही दिया। हाँ बोलना, ऐसे क्यों पूछ रही है, और मैं जल्दी बुरा नहीं मानती, तुझे तो पता है। रिया की बात सुनकर श्रेया मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोली। अपनी फ्रेंड की वजह से परेशान हो ना आप दी, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे आपकी फ्रेंड कुछ ठीक नहीं लगती। रिया थोड़ा सा हिचकिचाती हुई बोली। कौन फ्रेंड, साइना, क्या हुआ, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? श्रेया ने थोड़ी हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, बस मासी और बाकी सब बोल रहे थे कि उनकी शादी अपने बड़े घर में हो गई है, तो इसलिए ही शायद काफी घमंड आ गया है अब उनमें। शादी से पहले तो इस तरह नहीं थी वो, मैं भी तो मिली हूँ उनसे उनकी शादी से पहले भी। रिया ने श्रेया को बताया। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बुआ और आंटी लोग तो कुछ भी बोलती हैं सबके बारे में, बस थोड़ी बिजी होगी और हो सकता है शायद किसी की तबीयत ठीक ना हो उसकी फैमिली में, और इसीलिए ही अब तक नहीं आ पाई वो। श्रेया ने साइना की तरफ से कवर अप करने की कोशिश करते हुए रिया को सफाई दी, जबकि पूरी तरह से तो वो खुद भी इन सब बातों को नकार नहीं पा रही थी। उसे खुद ही पिछले कुछ दिनों से साइना का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और कुछ खटक भी रहा था, लेकिन सीधे तौर पर तो उसने साइना से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी आखिर, और उसके हर फंक्शन में शामिल और साथ ही उसकी खुशियों में खुश भी थी, घर के कामों में भी सबके साथ वो हाथ भी बटाती थी। लेकिन फिर भी रिया के बोलने पर श्रेया को वो बात तो याद आ गई जो साइना ने 2 बार उसके ससुराल वालों को लेकर उससे बात की थी, और साथ ही ये शक भी जताया था कि साइना को वो सब लोग ठीक नहीं लगते। बाकी लोगों की बात पर ना भी ध्यान दे तो भी मैंने नोटिस किया है कि शायद आपकी फ्रेंड आपकी शादी से खुश नहीं है, और उसकी एक ही वजह मुझे समझ में आती है। श्रेया की बात काटते हुए रिया काफी गंभीरता से बोली। और क्या वजह समझ में आती है तुझे? श्रेया ने भी इस बार पूरा इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, जैसे कि वो रिया के सारे डाउट जानना चाहती हो। यही कि वो नहीं चाहती आपकी शादी भी इतने अमीर और ऊंचे अच्छे घर में हो जैसे कि उनकी हुई है, और आप उनकी बराबरी पर या उनसे ज्यादा आगे हो जाओ। सीधे साफ लफ्जों में कहूँ तो मुझे लगता है कि वो आपसे जलती हैं। श्रेया के पूछने के अंदाज की वजह से रिया भी अब एकदम कॉन्फिडेंस से बोली। रिया की बात सुनकर श्रेया इस बार कुछ भी नहीं बोली और एकदम चुपचाप सोच में पड़ गई और दूसरी तरफ चेहरा करके शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें सोचने लगी, तो उसे भी रिया की कही बातें
अब कुछ हद तक सही लगने लगी। उस नंबर से आए मैसेजेस और वो वीडियो देखने के बाद राजवीर एक दो जगह कॉल करता है और वो नंबर पता करने को बोलता है कि आखिर वो नंबर किसका है, और साथ ही उस नंबर की लोकेशन भी पता लगाने की कोशिश करता है। पता चल जाएगा ना राज, इन लोगों ने रायमा को कहां रखा है, और देखिए फोटो में तो वो बेहोश ही है। पता नहीं क्या किया होगा मेरी बहन के साथ, और माँ पापा उन्हें जब ये पता चलेगा तो। बोलते हुए साइना के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। चल जाएगा पता, तुम भरोसा रखो और हौसला भी। साइना का हाथ पकड़कर राजवीर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और साइना उसकी बात समझते हुए सहमति में अपना सिर हिलाती है, लेकिन उसके चेहरे की टेंशन जरा सी भी कम नहीं होती। दूसरी तरफ आर्यन काफी देर से राजवीर का नंबर डायल करता है उसे रायमा के बारे में बताने के लिए, लेकिन राजवीर का नंबर बिजी आ रहा होता है तो अब आर्यन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और बोलता है, ये भैया इतना ज्यादा कहां बिजी हैं? इतनी देर से नंबर डायल कर रहा हूं लेकिन एंगेज आ रहा है, एक बार और करता हूं। बोलते हुए आर्यन एक बार फिर से राजवीर का नंबर डायल करता है और इस बार बेल रिंग होने लगती है। तभी राजवीर को एक फोन आता है और उस फोन पर बात करने के बाद राजवीर कार स्टार्ट करने वाला ही होता है कि उसका फोन फिर से रिंग होता है, और रिसीव करने से पहले राजवीर नंबर देखता है तो आर्यन की कॉल होती है। आर्यन की कॉल इस वक्त? स्क्रीन पर आर्यन का नाम देखकर राजवीर के मुंह से निकल जाता है, फंक्शन में जाने के लिए वेट कर रहे होंगे सब आपका, इसलिए आर्यन ने कॉल किया होगा, रिसीव करिए। साइना राजवीर की तरफ देखकर बोलती है, लेकिन क्या बोलूंगा मैं, आर्यन से झूठ नहीं बोल पाता मैं, वो तुरंत ही पकड़ लेता है। राजवीर साइना की बात पर बोलता है, हाँ तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है, पहले रिसीव तो करिए कॉल, सुनिए बात क्या है। साइना उसे फिर से कॉल रिसीव करने को बोली। हाँ आर्यन बोल। कॉल रिसीव करके कॉल पर बात करता हुआ राजवीर एकदम नॉर्मल आवाज में बोला, थैंक गॉड भैया कॉल तो लगी आपकी, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो आप। आर्यन अपनी परेशानी बताता हुआ बोला, हाँ कुछ इम्पोर्टेंट कॉल थी वर्क रिलेटेड, बस वही बात कर रहा था, लेकिन तू क्यों इतना कॉल कर रहा था, मैसेज कर देता मैं कॉल बैक कर लेता। राजवीर बात छुपाने की कोशिश करता हुआ बोला, बहुत इम्पोर्टेंट बात है भैया, लेकिन आप बताओ कि आप हो कहाँ इस वक्त। आर्यन उसी तरह टेंशन वाली आवाज में बोला, अरे ऐसी क्या बात हो गई, मुझे तो लगा तुम सब फंक्शन के लिए तैयार हो रहे होगे, श्रेया की शादी में जाना है याद है ना। आर्यन की घबराई हुई आवाज सुनकर राजवीर ने जैसे फंक्शन वाली बात ही याद दिलाई, हाँ हाँ सब याद है, लेकिन पहले आप बताओ कि आप इस वक्त हो कहाँ। आर्यन ने फिर से सवाल किया, मैं बस रास्ते में हूँ अपनी कार में, लेकिन बात क्या है आर्यन बता, अब तो बहुत टेंशन में लग रहा है मुझे। आर्यन के इस तरह के सवालों पर राजवीर को भी अब थोड़ी फिक्र हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, और राजवीर के इस बात पर साइना ने भी उससे इशारे से पूछा कि आखिर क्या बात हो गई है। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन स्पीकर पर डाल दिया जिससे कि साइना भी आर्यन और राजवीर की सारी बातें सुन सके। वो भैया एक प्रॉब्लम हो गई है, रायमा पिछले 2-3 घंटों से गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आर्यन ने आखिरकार राजवीर को पूरी बात बता दी। क्या गायब है, क्या बोल रहा है तू, वहीं कहीं होगी श्रेया के घर, अपने घर या फिर फंक्शन हॉल में। राजवीर अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला, लेकिन साइना ने नामे गर्दन हिलाकर उसे झूठ ना बोलने का इशारा किया और खुद ही बोल पड़ी, हमें पता है आर्यन, और हम भी रायमा को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें ये बात कब और कैसे पता चली, और तुमने किसी और को बताया तो नहीं अब तक। भाभी आप भी हो भैया के साथ? और क्या क्या बोल रहे हो आप, आपको पता है, आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई या फिर, और कहाँ ढूंढ रहे हो आप दोनों रायमा को, और श्रेया की शादी वहाँ पर नहीं हुआ। राजवीर से बात करते हुए अचानक ही साइना की आवाज सुनकर आर्यन काफी कंफ्यूज हो गया और उसने एक के बाद एक काफी सारे सवाल पूछ डाले। इन सब बातों का अभी वक्त नहीं है आर्यन, जितना मैंने पूछा है तुम वो बताओ फिलहाल। साइना आर्यन की बात पूरी तरह से इग्नोर करती हुई बोली। पूरी सिचुएशन को समझते हुए आर्यन ने भी राजवीर और साइना को पूरी बात बता दी कि संजना रायमा को फोन लगा रही थी और इस वजह से ही उसे पता चला कि रायमा का फोन नहीं लग रहा है, और फिर उसने घर पर फोन करके पूछा, और फिर श्रेया के पास भी, और फिर रवि वाली बात वो बताने जा रहा था लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो गया, शायद मिलकर बताने को सोचकर, क्योंकि रवि के बारे में राजवीर और साइना कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए फोन पर पूरी बात एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था आर्यन के लिए। ओके ठीक है, तुम कहाँ हो इस वक्त?
पूरी बात सुनने के बाद राजवीर ने आर्यन से पूछा तो आर्यन ने आसपास एक नजर डालते हुए वो जगह राजवीर को बता दी और फिर बोला, आप रुकिए मैं आता हूँ। हाँ ठीक है आर्यन, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, यहाँ पर आके हमसे मिलो, फिर हम साथ मिलकर सोचते हैं आगे क्या करना है। बोलकर साइना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर लोकेशन आर्यन के नंबर पर सेंड करके राजवीर को उसका फोन वापस दे दिया। पूरी बात बता दी आर्यन को? राजवीर अपना मोबाइल लेते हुए साइना की तरफ देखकर बोला, उसे पहले से ही पता है तो उससे छुपा कर क्या फायदा, और वो साथ होगा तो हमारी मदद हो जाएगी, क्या पता हम दो काम एक साथ भी कर पाए। साइना राजवीर की बात का जवाब देती हुई बोली। नहीं, आप में से कोई भी अकेले नहीं जाएगा, पता नहीं कितना खतरा होगा वहां पर, मैंने बोला ना मैं अकेले ही चली जाऊंगी श्रेया की शादी रुकवाने। साइना आर्यन और राजवीर से बोली। उन तीनों के बीच एक बात पर बहस होने लगती है, क्योंकि वो तीन लोग होते हैं और अगर कहीं भी एक जगह दो लोग जाते हैं तो तीसरे को अकेले ही दूसरी जगह पर जाना पड़ता, और साइना रायमा को बचाने के लिए आर्यन या राजवीर में से किसी को भी अकेले नहीं भेजना चाहती थी। उन्होंने आर्यन को भी पूरी बात बता दी थी तो आर्यन बोलता है कि वो अकेले ही जाएगा। रायमा के बारे में पता करने और राजवीर साइना को एक साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर श्रेया की शादी हो गई तो भी बहुत गलत हो जाएगा। रहने दे आर्यन, तेरी भाभी नहीं मानने वाली, राजवीर आखिरकार आर्यन को ही चुप कराता हुआ बोला। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, मुझे तो वापस फंक्शन हॉल ही जाना है, और आप दोनों को तो ठीक से पता भी नहीं वो कैसी जगह है और कितने लोग होंगे वहां पर, इसलिए आप दोनों में से किसी का भी अकेले जाना सेफ नहीं होगा। साइना फिर से तर्क देती हुई बोली। हाँ ठीक है, हम दोनों साथ जाते हैं, लेकिन प्लीज तुम अपना मोबाइल ऑन रखना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करना, ड्राइवर बस आता ही होगा कार लेकर, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। राजवीर साइना की बात मानते हुए बोला। कुछ ही देर बाद राजवीर के घर से एक कार आ जाती है और साइना राजवीर से गले मिलकर कार में बैठकर वापस फंक्शन हॉल की तरफ चली जाती है, और फिर आर्यन और राजवीर एक साथ उस जगह के लिए निकलते हैं जहां का पता उन्हें चलता है कि उन लोगों ने रायमा को कहां पर रखा हुआ है। श्रेया की शादी का वेडिंग हॉल। श्रेया दी, बारात आ गई। दो चार लड़कियां हंसती हुई श्रेया के कमरे में आकर उसे बताती हैं, और फिर उसके साथ बैठी हुई लड़कियां उसका मेकअप, ज्वेलरी और शादी का दुपट्टा बाकी सब ठीक करने लगती हैं। श्रेया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर उसका दुपट्टा सही करने वाली लड़की उसे छेड़ती हुई बोलती है, ओहो इतनी ज्यादा खुशी, क्या बात है श्रेया, क्या भाभी आप भी। बोलते हुए श्रेया अपनी नजरें नीची कर लेती है, नजर न लगे मेरी बच्ची की खुशियों को। कमरे के अंदर आती हुई एक औरत बोलती है, और फिर वो श्रेया की बलाइयां लेते हुए उसे एक नजर का काला टीका लगा देती है और बोलती है, बहुत खूबसूरत लग रही है, हमेशा ही ऐसे खुश रहना। चलो कुड़ियों, बारात के स्वागत की तैयारी करनी है, सिर्फ कोई एक रुक जाओ यहाँ श्रेया के साथ, बाकी सब चलो। बोलते हुए वो औरत सभी को लेकर श्रेया के कमरे से चली जाती है। कार पूरी स्पीड से चलती है और साइना पीछे बैक सीट पर बैठी रहती है। इस दौरान उसे एक बार भी वक्त नहीं मिलता अपना मोबाइल निकाल कर चेक करने का, और इसलिए वो अभी अपना मोबाइल अपने बैग से निकालती है और देखती है कि उसमें श्रेया की 5-6 मिस कॉल होती हैं। ओह गॉड श्रेया, आई एम सो सॉरी, तुझसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। श्रेया की मिस्ड कॉल देखकर साइना मन में बोलती है और फिर जल्दी से श्रेया का नंबर डायल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से श्रेया कॉल रिसीव नहीं करती। क्या मैं भी कॉल कर रही हूँ, टाइम कहाँ होगा उसके पास मोबाइल देखने का, रेडी हो रही होगी या फिर शायद शादी की रस्में चल रही होंगी इस वक्त तो। नहीं नहीं, इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो बारात नहीं आई होगी, या शायद आ गई होगी। श्रेया के फोन ना रिसीव करने पर साइना के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी, और फिर वो एक मैसेज श्रेया के नंबर पर कर देती है और साथ ही कुछ फोटोज भी भेज देती है, और पीयूष की बात जितनी भी उसे पता है वो मैसेज करके श्रेया को बता देती है, साथ ही शादी रोकने या फिर शादी में देर करने को भी बोलती है साइना श्रेया को मैसेज करके। आई होप बस श्रेया मेरे ये मैसेजेस देख ले शादी का फंक्शन शुरू होने से पहले, फिर मुझे पूरा विश्वास है कि पीयूष की असलियत जानने के बाद श्रेया उससे शादी कभी नहीं करेगी। साइना वो मैसेज सेंड करने के बाद खुद से बात करती हुई बोली, भैया जरा जल्दी चलाइए, मेरा वहां जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। साइना परेशान सी ड्राइवर से बोलती है और कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक। राजवीर आर्यन के साथ जाने से पहले साइना का हाथ पकड़कर उससे वादा करता है
कि वो कैसे भी करके रायमा को बचाएगा और जैसे ही रायमा उसे मिल जाएगी वो उसे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म कर देगा और फिर वो सामने से जाकर श्रेया की शादी रुकवा सकती है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? राजवीर साइना का हाथ पकड़ते हुए बोला। इस दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन इससे पहले मुझे श्रेया को ये सब बताना होगा। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई या फिर आप लोगों को रायमा को ढूंढने में देर हो गई तो? साइना राजवीर को अपनी परेशानी बताती है। हाँ ठीक है, तुम श्रेया को बता सकती हो और साथ ही समायरा और पीयूष की जो फोटोज हैं वो मैं तुम्हारे नंबर पर सेंड कर देता हूँ, वो भी तुम श्रेया को भेज देना, ये ठीक रहेगा। राजवीर की बात सुनकर साइना हाँ में अपना सिर हिलाती है। फ्लैशबैक एंड। और तेज स्पीड में चलती हुई कार में बैठी साइना बार बार अपना फोन चेक करती है कि शायद श्रेया ने उसका मैसेज देख लिया हो और वो रिप्लाई करे या फिर कॉल बैक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता तो साइना की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रह रहकर उसकी आंखों के सामने बारी बारी से रायमा और श्रेया दोनों के मुस्कुराते चेहरे घूम रहे थे और इस वक्त उसे उन दोनों की ही बराबर फिक्र हो रही थी। उन सभी औरतों और लड़कियों के वहां से चले जाने के बाद श्रेया अपने कमरे में सिर्फ एक लड़की के साथ अकेले रह जाती है। वो लड़की उसकी दूर की रिलेशन की कोई कजिन होती है और वो इस वक्त अपने मेकअप में लगी रहती है, इसलिए श्रेया अपना मोबाइल उठाकर चेक करने लगती है। साइना की मिस्ड कॉल और मैसेजेस होते हैं। साइना के इस वक्त उसके साथ ना होने पर श्रेया साइना से काफी नाराज थी, इसलिए गुस्से में उसकी कॉल देखकर भी उसे कॉल बैक नहीं करती और फोन साइड में रख देती है। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए दोबारा फोन उठाती है और मैसेजेस खोलकर चेक करने लगती है। साइना के भेजे हुए मैसेजेस चेक करते वक्त श्रेया के चेहरे पर हैरत और कंफ्यूजन के साथ साथ काफी अजीब से भाव उभरते हैं। उसे देखकर समझ नहीं आता कि इस वक्त आखिर वो क्या महसूस कर रही है। आर्यन और राजवीर दोनों लोकेशन पर पहुंचते हैं और रायमा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी उस जगह की ही होती है, इसलिए बात कंफर्म हो जाती है कि हो ना हो उन लोगों ने रायमा को यहाँ पर ही रखा है किडनैप करके, एक सुनसान इलाके में जहाँ पर सिर्फ एक दो घर ही थे और वो भी देखने में काफी दिनों से बंद पड़े लग रहे थे। सिर्फ एक घर के एक हिस्से में लाइट जलती नजर आ रही थी। राजवीर और आर्यन वहां से कुछ दूरी पर अपनी कार रोक देते हैं और फिर कार से उतरकर पैदल ही उस घर की तरफ बढ़ते हैं। लोकेशन तो यही है ना भैया? आर्यन ने फुसफुसाते हुए राजवीर से पूछा। हाँ यही है लोकेशन मैप के हिसाब से भी, ये देखो। आर्यन के सवाल का जवाब देते हुए राजवीर ने आर्यन की तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। हाँ लेकिन भैया आपने पुलिस को कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? कमिश्नर अंकल से बात करते ना आप सीधे ही। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए राजवीर से पूछा। क्योंकि कमिश्नर अंकल से कांटेक्ट करने पर डैड को पता चल जाता और फिर उन मल्होत्रास को भी, इससे रायमा पर खतरा हो सकता था और हो सकता है वो लोग रायमा को यहाँ से हटाकर कहीं और छुपा देते, इसलिए मैंने इस तरह आना ही ठीक समझा। और पुलिस को तो इन्फॉर्म करेंगे ही, इतनी आसानी से थोड़ी ना बच के निकल जाएंगे वो मल्होत्रास। राजवीर ने आर्यन को पूरी बात समझाई और फिर वो दोनों छुपते छुपाते दबे हुए कदमों से उस घर के एकदम नजदीक पहुंचे और वहां पर बाहर उन्हें दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आया। ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। आर्यन ने चारों तरफ एक नजर घुमाते हुए कहा। हाँ ये तो मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन शायद वो लोग ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि इस जगह पर कोई है ही नहीं, इसलिए ही बाहर कोई नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर जरूर होंगे लोग। राजवीर आर्यन को समझाता हुआ बोला और फिर वो दोनों उस घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। आर्यन उस वक्त काफी परेशान था रायमा के बारे में सोचकर, लेकिन वो राजवीर के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे फिर राजवीर उससे सवाल करता कि आखिर उसे रायमा की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है, तो फिर भला आर्यन क्या जवाब देता, क्योंकि इस बात का जवाब पूरी तरह से तो आर्यन के पास खुद ही नहीं था। वो रायमा को पसंद तो करता था लेकिन रायमा के दिल में क्या है वो बिल्कुल भी नहीं जानता था और रायमा ने आज तक ऐसा कभी कुछ जाहिर भी नहीं किया था, वो बस आर्यन से नॉर्मल एक फ्रेंड की तरह ही बात करती थी। आर्यन इधर, ये खिड़की। राजवीर को एक खिड़की का आधा कांच टूटा हुआ नजर आया तो राजवीर ने आर्यन को भी उधर ही बुला लिया। यहाँ से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है अंदर का, पता नहीं कहाँ रखा होगा उन लोगों ने रायमा को, और पता नहीं कितने लोग होंगे अंदर। आर्यन फिर से बोला। जितने भी हों ये सब तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, रुक मैं ये खिड़की खोलने की कोशिश करता हूँ। बोलते हुए राजवीर ने
खिड़की के टूटे हिस्से में अपना हाथ डाल दिया और बाहर से ही उस खिड़की को अंदर से खोलने की कोशिश करने लगा। भैया आराम से, डोंट हर्ट योरसेल्फ। आर्यन राजवीर को इस तरह से हड़बड़ाता हुआ देखकर बोला। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह कोशिश करता रहा और आखिरकार खिड़की खुल गई। खिड़की खुलते ही आर्यन और राजवीर दोनों एक एक करके उस खिड़की से घर के अंदर की तरफ कूद गए और अंदर आकर उन्होंने वापस वो खिड़की उसी तरह दोबारा बंद कर दी। यहाँ पर तो कितना अंधेरा है, ज्यादा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आर्यन घर के अंदर आकर सीधा खड़ा होते हुए बोला। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उनके पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी और उसके साथ ही अब तक उन दोनों के सर के पास बंदूक तन चुकी थी। शायद इसीलिए राजवीर आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पीछे कोई शख्स पहले ही आकर खड़ा हो गया था और फिर आर्यन की आवाज सुनते ही उसके पास भी दूसरा आदमी उसके सर पर बंदूक लगाकर खड़ा हो गया। आर्यन और राजवीर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, वो दोनों ही गन पॉइंट पर थे और उन दोनों के ही दिमाग में काफी कुछ चल रहा था इस वक्त। भैया आराम से, डोंट हर्ट योरसेल्फ। आर्यन राजवीर को इस तरह से हड़बड़ाता हुआ देखकर बोला। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह कोशिश करता रहा और आखिरकार खिड़की खुल गई। खिड़की खुलते ही आर्यन और राजवीर दोनों एक एक करके उस खिड़की से घर के अंदर की तरफ कूद गए और अंदर आकर उन्होंने वापस वो खिड़की उसी तरह दोबारा बंद कर दी। यहाँ पर तो कितना अंधेरा, ज्यादा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आर्यन घर के अंदर आकर सीधा खड़ा होते हुए बोला। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उनके पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी और उसके साथ ही अब तक उन दोनों के सर के पास बंदूकें तन चुकी थीं। शायद इसीलिए राजवीर आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पीछे कोई शख्स पहले ही आकर खड़ा हो गया था और फिर आर्यन की आवाज सुनते ही उसके पास भी दूसरा आदमी उसके सर पर बंदूक लगाकर खड़ा हो गया। आर्यन और राजवीर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, वो दोनों ही गन पॉइंट पर थे और दोनों के ही दिमाग में काफी कुछ चल रहा था इस वक्त। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। उस बड़े से वेडिंग हॉल के मेन दरवाजे से आती हुई एक लड़की की तेज आवाज उस जगह पर गूंजती है, जिसे सुनकर मंडप में मौजूद दूल्हा दुल्हन पंडित के साथ ही वहां पर मौजूद सारे मेहमानों और रिश्तेदारों का ध्यान भी उस तरफ ही हो जाता है। उन मेहमानों के साथ ही अभिषेक, उसके मम्मी पापा, संजना अपनी माँ के साथ और रायमा के माता पिता और भाई सभी उस तरफ ही देखने लगते हैं। ब्लू कलर की साड़ी और बिखरे बालों में हैरान परेशान सी साइना भागती हुई दरवाजे से हॉल के अंदर की तरफ आती हुई उन सबको नजर आती है। शायद दौड़ कर आने की वजह से ही वो अब तक हांफ रही थी। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। श्रेया और पीयूष की तरफ देखते हुए पंडित जी बोले। क्या? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। साइना हैरानी और अविश्वास के साथ उस मंडप की तरफ देखकर बोली। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साइना के ससुराल वालों में से इस वक्त सिर्फ संजना और वीना जी ही वहां पर उपस्थित होती हैं। संजना जैसे ही साइना को देखती है वो जल्दी से भागकर उसकी तरफ ही आ जाती है। ये सुनकर साइना सदमे में अपनी जगह पर धम से बैठ जाती है और तभी उसकी तरफ आती हुई संजना उसे जल्दी से थाम लेती है और वो बोली, भाभी संभालिए अपने आप को। उसके बाद श्रेया की माँ और साइना की माँ और सास भी जल्दी से उसकी तरफ ही आती हैं। ये क्या बोल रही हो तुम साइना बेटा, होश में तो हो? श्रेया की मम्मी अनीता जी साइना को अपने साथ साइड में लाते हुए पूछती हैं। साइना को इस तरह से देखकर साइना की माँ रोहिणी जी भी अब तक उसके पास आती हैं और अपने हाथों से उसके बाल और साड़ी ठीक करती हुई बोलती हैं। ये क्या होलिया बना रखा है साइना तुमने अपना, और तुम अब तक थी कहाँ, क्योंकि ये शादी तो हो गई। साइना उन सब के सवाल सुनती रहती है लेकिन उनमें से किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देती और धीमे कदमों से मंडप की तरफ ही बढ़ने लगती है, जहाँ पर दुल्हन बनी हुई श्रेया पीयूष के साथ ही खड़ी होती है। आई एम सो सॉरी श्रेया, मैं लेट हो गई। साइना एकदम लाचारी से श्रेया की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी फ्रेंड ये सब क्या बोल रही है श्रेया बेटा, होश में तो है ना ये? साइना की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखते हुए पीयूष की माँ श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछती हैं। सॉरी बोल रही है बेचारी, लेकिन ये नहीं बता रही कि अपनी गलतियों के लिए
या फिर जो गलत करने जा रही थी उसके लिए। श्रेया भी लगभग उसी तरह अपनी सास की बात का जवाब देती है। कौन सी गलती श्रेया, तुमने मेरे मैसेज चेक नहीं किए क्या? ये लोग फ्रॉड हैं, धोखा दे रहे हैं तुम्हें। श्रेया की बात सुनकर साइना हैरानी से बोली, तुम्हारी दोस्त है तो क्या कुछ भी बोलेगी? प्लीज इसे अभी के अभी चुप करवाओ, हमें यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए, इतने सारे गेस्ट हैं। पीयूष श्रेया की तरफ थोड़े गुस्से में देखता हुआ बोला, बोलने दो ना, जब मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? श्रेया पीयूष को समझाती हुई बोली, ये सब क्या बोल रही हो श्रेया, तुम्हें पता भी नहीं इन लोगों ने क्या किया है और अभी भी क्या कर रहे हैं, और तुम इस पर विश्वास कर रही हो, मुझ पर नहीं? साइना श्रेया को समझाने की कोशिश करती हुई बोली, मुझे सब पता है साइना, इसलिए प्लीज बंद करो अपना ये अननेसेसरी ड्रामा। खुश ना सही मेरी शादी पर, लेकिन कुछ देर खुश होने की एक्टिंग ही कर लो, आखिर बचपन की बेस्ट फ्रेंड है हम दोनों। श्रेया साइना की तरफ देखते हुए बोली, बस कर साइना, चुप कर अब, पता नहीं क्या हो गया है तुझे, ऐसा क्यों बोल रही है? साइना की माँ उसे समझा कर चुप करवाती हुई बोली, लेकिन माँ ये लोग ठीक नहीं है, श्रेया मेरी दोस्त है, मैं उसका बुरा चाहूंगी क्या? श्रेया अपनी माँ की बात का जवाब देती हुई बोली, ठीक तो मुझे तुम नहीं लग रही हो इस वक्त, और थी कहाँ अब तक? ऐसे अच्छा ही हुआ कि शादी होने के बाद ही आई, तुम यहाँ पहले आ जाती तो पता नहीं कितना और ड्रामा करती। पीयूष की बड़ी बहन गरिमा भी उसी तरह साइना पर अजीब सी निगाह डालती हुई बोली। साइना उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और अपनी माँ और संजना से अपना हाथ छुड़वा कर श्रेया के करीब पहुँचती है, लेकिन श्रेया अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है, साइना श्रेया से बोली, मुझे नहीं करनी है और मेरे पास वक्त भी नहीं है, मेरी विदाई होने वाली है और मुझे अपने घर वालों से मिलना है, तुझे जो भी बात करनी है यहाँ सबके सामने ही बोल दे। श्रेया साइना की बात पर बोली, श्रेया क्या हो गया है तुझे, मुझसे नाराज है ना तू कि मैं तेरी शादी पर नहीं थी, लेकिन यार मेरा विश्वास कर, इन लोगों के बारे में पता करने ही गई थी मैं, और जब इनकी सच्चाई मुझे और राजवीर को पता चल गई तो पता है इन लोगों ने क्या किया। साइना बोल ही रही थी कि श्रेया उसकी बात बीच में काटती हुई बोल पड़ी, कौन सी सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रही हो, और क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे होने वाले पति की जासूसी करने की, बहुत ज्यादा शौक है क्या तुम्हें और तुम्हारे पति को दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का? श्रेया साइना की बात पूरी होने से पहले ही उसे रोकती हुई बोल पड़ती है, क्या हो गया तुझे, ये सब क्या बोले जा रही है, मेरी बात तो सुन ले एक बार पूरी। साइना फिर से बोलने की कोशिश करती है लेकिन श्रेया उसे अपना हाथ दिखाते हुए चुप रहने को बोलती है और पीयूष का हाथ पकड़कर बोलती है, चलिए हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना है। साइना श्रेया की इस तरह की हरकतें देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे और कैसे सबको पूरी बात बताए। तभी अभिषेक साइना के पास आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ साइना, इधर आओ तुम, मुझे पूरी बात बता सकती हो, लेकिन श्रेया को क्या हुआ है, वो तुमसे इस तरह बात क्यों कर रही है और तुम्हारी कोई बात सुन क्यों नहीं रही? पता नहीं भैया, इतना कैसे बदल गई वो अचानक ही, लेकिन मैं आपको ही पूरी बात बताती हूँ, साइना अभिषेक की तरफ देखती हुई बोलती है। तब तक संजना भी वहां पर आ जाती है, चलो साइड में चलकर बातें करते हैं, यहाँ सब हमें ही देख रहे हैं, पहले ही बहुत ड्रामा हो चुका है। अभिषेक उन दोनों को अपने साथ हॉल में ही थोड़ा साइड में लेकर जाता है। साइना अभिषेक और संजना को पूरी बात बता देती है, जितना कुछ भी उसे पता होता है, पीयूष के अफेयर और फिर उस लड़की से मिलने की बात को लेकर रायमा के किडनैप होने और फिर राजवीर और आर्यन उसे बचाने जाने वाली बात, सब कुछ ही। और इसके साथ ही वो पीयूष और समायरा की फोटोज अभिषेक और संजना दोनों को दिखाती है। पीयूष का भाई रोहन, देखिए वो यहाँ पर नहीं है, आखिर उसके भाई की शादी है, उसे यहाँ पर होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, देखिए क्योंकि इन सब में उसका ही हाथ है, वो शायद पीयूष का सच जानता है और फिर भी उसे सपोर्ट कर रहा है। पूरी बात बताने के बाद साइना अभिषेक का ध्यान रोहन की तरफ करती है। ओ माय गॉड भाभी, संजना बोली, इतना बड़ा धोखा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए अभिषेक काफी गुस्से में मंडप की तरफ ही बढ़ता है। संजना और साइना उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन दोनों में से किसी की भी बात नहीं सुनता और ना ही उनके रोकने पर वहां रुकता है। रायमा आप कहाँ है, एंड राजवीर और आर्यन भैया, वो सब ठीक तो है ना भाभी? अभिषेक के वहां से जाते ही संजना साइना से पूछती है। हाँ, राज का मैसेज आया था मुझे, वो तीनों एक साथ ही हैं और वहां से निकल चुके हैं, साइना ने संजना को बताया। तब जाकर संजना ने थोड़ी चैन की सांस ली। थैंक गॉड, लेकिन श्रेया आपकी बात सुन क्यों नहीं रही और ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, ऊपर से ये अभी।
हमें इसे रोकना चाहिए, हमें इसे रोकना होगा, चलिए भाभी। बोलते हुए संजना साइना का हाथ पकड़कर जल्दी से अभिषेक के पीछे जाती है। भाई तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर श्रेया को हुआ क्या है, क्यों अपनी दुश्मन खुद ही बन बैठी है वो, साइना काफी चिंताजनक स्वर में बोली। जब तक अभिषेक पीयूष के पास पहुंचकर उसकी शेरवानी का कॉलर पकड़कर उससे गुस्से में बोलता है, बता क्यों, क्यों किया तूने ये सब, धोखा देकर शादी करने के लिए मेरी ही बहन मिली थी क्या तुझे, जब तेरी लाइफ में पहले से ही कोई और लड़की है तो मेरी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद की उससे शादी करके। साइना से पूरा सच जानने के बाद अभिषेक पीयूष का कॉलर पकड़कर उससे एक के बाद एक सवाल करता जा रहा था। पीयूष एकदम से ये सारी बातें सुनकर एक पल को तो एकदम शॉक्ड रह गया, लेकिन फिर सामान्य होते हुए अपने कॉलर से अभिषेक का हाथ हटाता हुआ बोला, आराम से अभिषेक, मैं तुम्हारा सिर्फ इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि तुम श्रेया के भाई हो। अभिषेक भैया ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए उन्हें, छोड़िए पीयूष जी को, श्रेया भी बीच में आती हुई बोली, मेरा सिर अभी भी दुख रहा है। कार में बैठी हुई रायमा अपना सिर पकड़ कर कराहती हुई बोली। आर्यन कार ड्राइव कर रहा होता है और राजवीर आगे आर्यन के बगल वाली सीट पर ही बैठा होता है और पीछे रायमा बैक सीट पर बैठी हुई होती है। भैया पहले डॉक्टर के यहाँ चले क्या, आपको भी चोट लगी है और रायमा भी ठीक नहीं लग रही मुझे। रायमा की आवाज सुनकर आर्यन राजवीर से बोलता है, चोट तो तुम्हें भी लगी है। राजवीर और रायमा दोनों एक साथ ही बोलते हैं आर्यन की बात सुनकर, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी फंक्शन हॉल पहुँचना ज्यादा जरूरी है हम तीनों का, भाभी वहाँ पर अकेली होंगी। उन दोनों की बात सुनकर आर्यन बोलता है, आई होप साइना दी टाइम पर पहुंच गई हूँ और वो शादी ना हुई हो। रायमा आर्यन की बात सुनकर बोलती है, हाँ श्रेया बच जाए बस और भाभी ने उसे सब बता दिया हो, उसके होने वाले पति और ससुराल वालों का सच। आर्यन भी ड्राइव करता हुआ बोला, हाँ सच में, नहीं तो उन सब लोगों के बीच फंस जाएगी श्रेया काफी बुरी तरह से, क्योंकि बिल्कुल सही नहीं है वो लोग, खासकर पीयूष और रोहन जिन्हें मैं जानता हूँ। राजवीर भी थोड़ा सोचता हुआ बोला। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी फंक्शन हॉल पहुँचना ज्यादा जरूरी है हम तीनों का, भाभी वहाँ पर अकेली होंगी। उन दोनों की बात सुनकर आर्यन बोलता है, आई होप साइना दी टाइम पर पहुँच गई हूँ और वो शादी न हुई हो। रायमा आर्यन की बात सुनकर बोलती है, हाँ श्रेया बच जा बस और भाभी ने उसे सब बता दिया हो, उसके होने वाले पति और ससुराल वालों का सच। आर्यन भी ड्राइव करता हुआ बोला, हाँ सच में, नहीं तो उन सब लोगों के बीच फंस जाएगी श्रेया काफी बुरी तरह से, क्योंकि बिल्कुल सही नहीं है वो लोग, खासकर पीयूष और रोहन जिन्हें मैं जानता हूँ। राजवीर भी थोड़ा सोचता हुआ बोला, श्रेया तुम इस आदमी का सच नहीं जानती हो इसलिए ही मुझे रोक रही हो, साइना ने मुझे सब बताया है और जब तुम्हें भी सब पता चलेगा तो तुम्हें भी इतना ही गुस्सा आएगा। अभिषेक श्रेया को समझाता हुआ बोला, इतना बहुत हो गया साइना, साइना और किस सच की बात कर रहे हैं आप, मुझे सब कुछ पता है लेकिन काश मुझे साइना के इरादे भी पहले ही पता चल जाते तो अच्छा होता। श्रेया चिल्लाकर अभिषेक को चुप कराती हुई बोली। श्रेया के इस तरह से चिल्लाने पर अभिषेक पीयूष का कॉलर छोड़ देता है और रुककर हैरानी से श्रेया की तरफ ही देखने लगता है। अभिषेक के पीछे आती हुई संजना और साइना भी अब तक वहाँ पर आ जाती हैं और श्रेया की बात सुनकर साइना श्रेया का कंधा पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोलती है, मेरे कौन से इरादे श्रेया, क्या तुझे सच में लगता है मैं कभी कुछ गलत सोचूंगी तेरे लिए? मुझे लगता है नहीं, मुझे दिख रहा है कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है। श्रेया साइना का हाथ अपने कंधे पर से हटाती हुई बोली, कुछ नहीं दिख रहा है तुझे, पता नहीं क्या हो गया है जो ऐसी बातें कर रही है, एक बार मैसेजेस चेक कर और वो फोटोज देख जो मैंने तुझे भेजे थे, फिर उसके बाद तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इंसान तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। साइना ने श्रेया की बात पर अपना मोबाइल उसे पकड़ाते हुए कहा, हाँ श्रेया कम से कम एक बार बात तो सुन ले साइना की, अगर वो इतनी बड़ी बात बोल रही है तो कुछ सच्चाई होगी ही ना। अभिषेक भी साइना की साइड लेते हुए श्रेया को समझाता हुआ बोला, देख चुकी हूँ वो सारे मैसेजेस मैं, और पता है जब मैंने ये सारे फोटोज देखे तो मैं भी एक पल को सारी बातों को सच मान बैठी थी और मैंने गुस्से में तुरंत ही पीयूष जी को फोन किया और ये शादी ना करने को भी बोला, बारात आ चुकी थी फिर भी बिना कुछ भी आगे पीछे सोचे सिर्फ साइना के भेजे गए मैसेजेस और फोटोज देखकर ही मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया था, उसी वक्त इतना विश्वास करती थी मैं साइना तुझ पर। अभिषेक और साइना की तरफ देखकर श्रेया ने ये सारी बातें बोली। श्रेया की ये बातें सुनकर साइना अभिषेक संजना और उन दोनों के ही परिवार वालों का मुंह खुला का खुला रह गया।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो साइना ने श्रेया को भेजा, और उसे देखकर आखिर श्रेया अपनी शादी तोड़ने को तैयार हो गई थी। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पीयूष के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी और वो मुस्कुराते हुए साइना और श्रेया की तरफ बारी बारी से देख रहा था। ये सब क्या बोल रही है तू श्रेया? अगर ऐसा कुछ था भी तो तूने हम में से किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा एक बार भी? श्रेया की माँ उसके सामने आती हुई बोली, मैं आप सबको भी बताने वाली थी माँ, लेकिन मुझे तुरंत ही पता चल गया कि ये सब कुछ गलत है और जानबूझकर मुझे भेजा गया है ताकि मैं साइना की बातों में आकर अपनी शादी तोड़ दूं, क्योंकि साइना नहीं चाहती थी कि मेरी और पीयूष जी की शादी हो। श्रेया अपनी माँ की बात का जवाब देती हुई बोली, ये सब क्या बोले जा रही है तू श्रेया? मैंने तुझे जो भेजा वो एकदम सच है और मैं भला क्यों नहीं चाहूंगी कि तू खुश रहे और तेरी शादी हो, लेकिन हाँ ये सच है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसे किसी घटिया इंसान से तेरी शादी हो जो कि तेरे लायक नहीं। साइना एक हिकारत भरी नजर पीयूष की तरफ डालती हुई बोली, हमारी शादी में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब शायद शादी का फंक्शन खत्म हो चुका है और किसी को खास खुशी नहीं है इस शादी से, इसलिए आप सब जा सकते हैं। श्रेया खास तौर पर साइना और उसके परिवार वालों की तरफ देखकर ये बात कहती है, लेकिन इसका असर वहां पर मौजूद लगभग सारे मेहमानों पर होता है और वो सभी खुसर फुसर करते और उल्टी सीधी बातें बोल एक एक कर वहां से जाने लगते हैं। अभिषेक और श्रेया के मम्मी पापा के साथ ही पीयूष के परिवार वाले भी जाते हुए मेहमानों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगते हैं और उन्हें विदा भी करते हैं, लेकिन श्रेया और पीयूष उसी तरह हॉल के बीच में खड़े रहते हैं जैसे उन दोनों को किसी के होने या ना होने, रहने या चले जाने से कोई भी फर्क ही ना पड़ता हो। घर परिवार के ज्यादातर लोग यही चाहते थे कि अब बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उस जगह ज्यादा लोग ना हो तो ही अच्छा, इसलिए उस समय श्रेया को कोई कुछ भी नहीं कहता। श्रेया तू पागल हो गई है क्या? तुझे इस बात में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या कि तेरा होने वाला पति किसी और से प्यार करता है? श्रेया के इस तरह के रिएक्शन पर साइना थोड़े गुस्से में उससे सवाल करती है और साथ ही ये भी भूल जाती है कि पीयूष और श्रेया की शादी हो चुकी है, इसलिए पीयूष अब श्रेया का होने वाला पति नहीं बल्कि हो चुका पति है। क्या कहा तुमने साइना? होने वाला पति? पीयूष जी अब मेरे पति हैं, हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन शायद तुझे ये बात हजम नहीं हो पा रही अब तक। लेकिन ऐसा क्यों? 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 साइना की बात पर श्रेया हंसते हुए सोचने की एक्टिंग करती हुई बोलती है, रहने दो साइना, अपनी कितनी इंसल्ट करवाओगी, चलो यहाँ से। आर्यन और रायमा के साथ दरवाजे से अंदर आता हुआ राजवीर साइना के पास आता हुआ बोला, नहीं कहीं नहीं जाऊंगी मैं, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए और साथ ही इसके बदले हुए बिहेवियर की वजह भी जाननी है मुझे। सुना तो था मैंने भी कि एक पल में लोग बदल जाते हैं, लेकिन श्रेया तुझे मैंने कभी उन लोगों में गिना ही नहीं। राजवीर की बात सुनकर साइना काफी आस भरी निगाहों से श्रेया की तरफ देखती हुई कहती है, लेकिन श्रेया उसकी बात पर कुछ नहीं बोलती और अपनी नजरें दूसरी तरफ करती हुई रुक फिर लेती है। सिर्फ श्रेया दी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैंने दी? साइना की बात सुनकर कुछ दूर से रायमा की आवाज आती है और साइना जल्दी से उस तरफ देखती है तो उसे रायमा नजर आती है और वो जल्दी से दौड़कर उसके पास पहुंचती है और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर पूछती है, ठीक है ना तू? तू तो जान है मेरी, जानती है ना मुझे, लेकिन इन लोगों की वजह से ही तुझे भी ये सब झेलना पड़ा। बोलते हुए साइना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद अब गिने चुने परिवार के सदस्य ही थे और साइना की ये बात सुनकर साथ ही रायमा और आर्यन राजवीर को इस हालत में देखकर सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उन सभी को समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। क्या हुआ, तुम लोग आखिर थे कहां अब तक? तुम में से कोई भी नजर नहीं आया पूरी शादी में, कितने कॉल किए मैंने, देखो मोबाइल कहां है तुम लोगों के? वीना जी उन चारों के पास आती हुई बोली, हाँ साइना रायमा, मुझे भी यही लगा था कि तुम दोनों साथ में ही होगी और कितना परेशान थी मैं भी तुम लोगों को यहाँ ना पाकर, लेकिन ये लग रहा था कि अभी आ जाओगी तुम दोनों कहीं से, लेकिन आई तुम दोनों ही अलग अलग। साफ साफ बताओ हम सबको कि आखिर क्या हुआ है। रोहिणी जी रायमा के माथे पर लगी चोट साफ करते हुए बोलती हैं, इन लोगों की वजह से हुआ है ये सब कुछ, ये मल्होत्रा इन लोगों ने ही रायमा को किडनैप करवाया था। आर्यन पीयूष और उसके परिवार वालों की तरफ उंगली करते हुए बोलता है। आर्यन की बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग शक भरी निगाहों से पीयूष और उसके परिवार वालों की तरफ देखने लगते हैं और साथ ही श्रेया भी।
नहीं, ये झूठ बोल रहा है। क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं श्रेया? पीयूष आर्यन की बात पर एकदम साफ मुकरता हुआ बोलता है, क्या क्या झूठ बोलोगे? अपना अफेयर श्रेया से धोखे से शादी करना, और फिर हम कहीं तुम्हारा सच सबके सामने न बता दें, इस डर से रायमा को किडनैप करना? राजवीर पीयूष की तरफ बढ़ता हुआ पूरी दृढ़ता से बोला, क्या क्या कुछ भी बोले जा रहे हो। माना कि हम बिजनेस राइवल्स हैं, लेकिन उसका बदला तुम ऐसे निकालोगे राजवीर, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पीयूष राजवीर की बात पर बेचारा बनता हुआ बोला, बस बस करिए आप दोनों, बहुत हो गया, कुछ भी इल्जाम लगाते जा रहे हैं, और ऊपर से इतने बड़े बड़े आके प्रॉब्लम क्या है आप सबकी? राजवीर की बात सुनकर श्रेया लगभग चिल्लाती हुई बोली, जो लोग डिजर्व नहीं करते उनका अच्छा करने निकले हैं, यही प्रॉब्लम है हमारी और खासकर मेरी दी की। श्रेया की बात पर रायमा उसे जवाब देती हुई बोली, तुझे लगता है हम सब सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं? तो एक बार पूछ जरा अपने सो कॉल्ड हस्बैंड से कि वो लड़की कौन है जो फोटोज में उसके साथ है, और क्यों उसने तुझे ये सब पहले नहीं बताया? रायमा को चुप कराती हुई साइना श्रेया से सवाल करती है, वो लड़की समायरा सिन्हा है, पीयूष जी के ऑफिस में उनके साथ ही काम करती है, और शादी से पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन 6 महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। और कुछ जानना है तुझे या इतना काफी है तेरे लिए? श्रेया ने एकदम से सारी बात बताई और फिर साइना की तरफ देखकर उससे पूछती हुई बोली। श्रेया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर साइना के साथ साथ बाकी सबका भी मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर श्रेया को ये सब पता है तो फिर भी उसने ये शादी क्यों कर ली। लेकिन ये तो आधा सच है, और आखिर श्रेया को पता कैसे चला? क्योंकि साइना ने ये सब तो नहीं लिखा था मैसेज में। क्या हुआ, शॉक लगा क्या ये सब सुनकर? यही सोच रही है ना कि ये सब मुझे कैसे पता चला? तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीयूष जी ने मुझे ये सब पहले ही बता दिया था अपने रिलेशनशिप के बारे में, काफी पहले। लेकिन मैंने उनके एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो नहीं देखी थी, इसलिए तुम्हारी भेजी हुई फोटोज देखकर मुझे गलत फहमी हो गई थी। और तुम पर तो इतना आंख बंद करके विश्वास था मुझे साइना, कि मैंने तुरंत ही कॉल करके ये शादी करने को भी मना कर दिया था। लेकिन फिर पीयूष जी ने मिलकर वरमाला की रस्म से पहले ही मुझे सारी बातें क्लियर कर दी, और साथ ही तुम्हारे इंटेंशंस भी। श्रेया एक के बाद एक सारी बातें बोलती जा रही थी, और वहां मौजूद बाकी सारे लोग हैरानी और कंफ्यूजन वाले भाव के साथ उसकी सारी बातें सुन रहे थे। पीयूष और उसके परिवार वालों को छोड़कर चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी या संतुष्टि के भाव तो किसी के भी चेहरे पर नजर नहीं आ रहे थे उस वक्त। मेरी इंटेंशंस क्या बोल रही है तू श्रेया, तुझे समझ भी आ रहा है? श्रेया की कही गई इतनी सारी बातें सुनकर साइना हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, थैंक गॉड कि मेरे सब समझ में आ गया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था, कितनी ना समझ हूं मैं। श्रेया साइना की बात पर व्यंगात्मक लहजे में बोली, ना समझ जैसा बर्ताव तो तू अभी भी कर रही है श्रेया। साइना अपने सिर पर हाथ रखती हुई बोली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया से किस तरह डील करे इस वक्त। एक मिनट, सबको जानना है ना कि हम चारों शादी पर क्यों नहीं आ पाए और कहां थे अब तक, तो मैं पूरा सच बताता हूं सबको, राजवीर आगे आते हुए बोला तो सब उसकी तरफ ही देखने लगे। क्योंकि तुम लोग चाहते ही नहीं थे श्रेया की शादी मुझसे हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिजनेस और नाम में मल्होत्रा शेखावत से कहीं आगे हैं, इसलिए तुम लोग नहीं थे यहाँ पर, शादी रोकने की ही प्लानिंग कर रहे होगे। लेकिन तुम लोगों की सारी प्लानिंग फेल हो गई, या फिर ये कह लो थोड़ा लेट हो गए तुम लोग। राजवीर की बात सुनकर पीयूष सफाई देने वाले लहजे में राजवीर को ताना मारते हुए बोला, चुप कर जा तू, अच्छा नहीं लगेगा दूल्हे की ड्रेस में अपनी शादी वाले दिन पिटता हुआ। पीयूष की बातें सुनकर आर्यन गुस्से में पीयूष को उंगली दिखाता हुआ बोला, और आगे बढ़ने लगा तो राजवीर और साइना ने उसे इशारे से कुछ ना करने को कहा, और रायमा ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे वही रोक लिया। रायमा के इस तरह अपना हाथ पकड़ने पर आर्यन हैरानी से रायमा की तरफ देखने लगा, तो रायमा ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और अपने बाल कान के पीछे करती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। आर्यन उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा, तुम लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा है कि तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए। आर्यन की बात पर पीयूष फिर से मुस्कुराता हुआ बोला, तुम मल्होत्रा और हम शेखावत की बिजनेस राइवलरी अलग है, ये आगे पीछे की रेस नहीं है यहाँ, ये श्रेया की शादी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, जो हम तुम्हें बर्बाद नहीं करने देंगे इस तरह से, तो बिल्कुल भी नहीं। श्रेया को सारा सच पता होना चाहिए, क्यों श्रेया, क्या क्या बताया है इसने तुम्हें? राजवीर ने पीयूष की बात का जवाब देते हुए बाद में श्रेया की तरफ देखकर कहा,
तो श्रेया भी थोड़ी शक भरी निगाहों से एक बार को पीयूष की तरफ देखने लगी। और पीयूष सफाई देने को हुआ तो उससे पहले आर्यन बोल पड़ा, रायमा को किडनैप करवाया था इन लोगों ने, इतनी घटिया हरकत की और अभी भी ये आदमी तुम्हें सही लगता है श्रेया? आर्यन सीधे लफ्जों में बोला, ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग, पीयूष जी क्या बोल रहे हैं ये लोग? आखिरकार श्रेया ने पीयूष से सीधा सवाल किया, झूठ झूठ सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे मुझ पर, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उठ जाए, और वही हो भी रहा है शायद। पीयूष काफी उदास सी शक्ल बनाते हुए श्रेया की बात का जवाब देते हुए बोला, झूठ नहीं सच है ये, मैं बताता हूँ। राजवीर फिर से बोला, साइना ने तो अब श्रेया से कोई भी बात करने या किसी भी तरह की सफाई देने का इरादा ही छोड़ दिया था, इसलिए वो चुपचाप दीवार से टेक लगाकर साइड में खड़ी हुई थी और संजना भी उसके साथ ही खड़ी थी। हम लोगों को पीयूष और उसके अफेयर का सच पता चल गया और हम वही बात बताने फंक्शन हॉल वापस आ रहे थे कि तभी ये देखो मेरे मोबाइल पर मैसेजेस और रायमा की फोटो आया कि अगर हमने किसी को भी सच बताया तो वो लोग रायमा को नहीं छोड़ेंगे। रायमा की जान पर खतरा था लेकिन फिर भी साइना ने तुम्हें सच बताने का रिस्क लिया और अकेले ही यहाँ पर आई शादी रुकवाने, उसने तुम्हें मैसेज भी किया श्रेया, लेकिन बोलते बोलते राजवीर रुक गया और जैसे कि श्रेया का रिएक्शन जानना चाह रहा हो इस बात पर। श्रेया के चेहरे पर उलझन के भाव साफ नजर आ रहे थे, जैसे अब वो काफी कंफ्यूज हो गई हो कि इस वक्त किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। गलतफहमी है तुम लोगों को, एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी। लेकिन उससे पहले ही श्रेया या उनमें से कोई और भी कुछ बोल पाता, एक तेज आवाज दरवाजे की तरफ से आई और वहां पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस तरफ हो गया। कोट सूट पहने एक के पीछे एक दो आदमी हॉल के अंदर एंटर करते हैं। वो दोनों ही जाने पहचाने चेहरे होते हैं। आगे चलने वाला शख्स जिसने की राजवीर की बात सुनकर ये सब बोला था वो विक्रम था, विक्रम मल्होत्रा पीयूष और रोहन का कजिन। और पीछे वाला शख्स खुद रोहन मल्होत्रा पीयूष का छोटा भाई। उसके चेहरे पर गुस्सा और सख्त भाव साफ नजर आ रहे थे। वहीं इसके विपरीत विक्रम एकदम शांत और सहज नजर आ रहा था। उसके बोलने के लहजे में भी काफी गंभीरता थी। कोई गलत फहमी नहीं है हम लोगों को और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो विकी, मेरा मतलब है विक्रम। राजवीर अपनी तरफ आते हुए विक्रम से बोला। राजवीर के मुंह से विकी सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए फिर से एकदम गंभीरता से बोला, तुम्हें गलत फहमी है राज, क्योंकि रायमा का किडनैप हमने नहीं करवाया बल्कि झूठ एक और झूठ। एक सच को छुपाने के लिए आखिर कितने झूठ बोलोगे तुम मल्होत्रा, कभी नहीं सुधर सकते। विक्रम की बात सुनकर आर्यन उसकी बात बीच में काटते हुए काफी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, अपनी हद में रहो आर्यन, नहीं तो अभी तुमने ही कहा हम मल्होत्रा कभी नहीं सुधरने वाले, लेकिन दूसरों को सुधारना जानते हैं। विक्रम की तरफ आगे बढ़ते हुए आर्यन के सामने आता हुआ रोहन भी उसी तरह गुस्से और एटीट्यूड में बोला, अगर तुम लोग नहीं तो फिर किसका, आखिर किसका फायदा हो सकता है और कौन रायमा को किडनैप करके हमें यूं ब्लैकमेल करेगा? काफी देर से दूर खड़ी साइना आखिरकार उन सब के बीच हो रही बातचीत के बीच में आती हुई बोली, हेलो सर, अंदर आ जाइए। साइना के सवाल पर रोहन ने अपना मोबाइल फोन कान पर लगाते हुए कहा। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर अपने दो तीन कांस्टेबल के साथ हॉल के अंदर आ गए। उनके दो कांस्टेबल ने एक आदमी को अपने बीच में करके पकड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। सभी उस लड़के की तरफ हैरत से देख रहे थे, शायद उसे जानने या पहचानने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का कौन है। लेकिन आर्यन और रायमा ने हैरत भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और उन दोनों के मुंह से एक साथ ही निकला, रवि तुम क्या, तुम दोनों इसे जानते हो, कौन है ये? राजवीर ने आर्यन और रायमा की तरफ देखते हुए सवाल किया। साइना और वहां मौजूद बाकी सब भी सवालिया निगाहों से इस वक्त आर्यन और रायमा की तरफ ही देख रहे थे। हाँ दी जीजू, ये मेरा फ्रेंड, मेरा मतलब है अब तो फ्रेंड भी नहीं, लेकिन कॉलेज में साथ ही पढ़ता है पिछले 3 सालों से, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ करेगा। रायमा उन सभी के सवालों का संक्षिप्त का जवाब देती हुई बोली और घृणा भरी निगाहों से गुस्से में घूरते हुए रवि की तरफ देख रही थी। इससे पहले कि कोई और पुलिस या रवि से कोई भी सवाल कर पाता, रोहन ने उन्हें वहां से चले जाने का इशारा किया और इंस्पेक्टर बिना कुछ बोले ही रवि को लेकर वहां से चला गया। देख और सुन लिया आप सबने, कब से इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये शेखावत हम पर, और मेरे भाई की शादी का भी सत्यानाश कर दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं तो तुम लोगों को। रोहन गुस्से में उल्टा इल्जाम राजवीर और उसके परिवार पर लगाता हुआ बोला,
लेकिन फिर वो सारे मैसेजेस। रोहन की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए साइना ने राजवीर की तरफ देखकर सवाल किया, वो भी उसी लड़की ने किए होंगे, आप चाहें तो पता करवा सकते हैं, हमारे घर में से किसी का भी नंबर नहीं है वो, और जरा सोचिए कोई खुद ही अपने कारनामे क्यों बताएगा फोन और मैसेज पर। विक्रम एकदम आराम से साइना की बात का जवाब देते हुए बोला, सच क्या है वो तो हम पता कर ही लेंगे और हमें कोई सफाई नहीं सुननी। राजवीर साइना के सामने आता हुआ विक्रम से बोला, हाँ बस बहुत हो गया सच में, कुछ किया नहीं और सफाई पर सफाई सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, हम सब शादी ना हो गई बवाल हो गया। पीयूष गुस्से में अपने सर की पगड़ी उतार कर साइड में फेंकता हुआ बोला और वहां से जाने को आगे बढ़ा। तभी श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देख कर ना में अपना सिर हिलाने लगी। श्रेया की आंखों में इस वक्त आंसू थे। आई एम सो सॉरी पीयूष जी, आपको और आपकी फैमिली को इतना कुछ सुनना पड़ा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और बाकी लोगों से कहना चाहूंगी कि बस बहुत हो गया, आप सभी वापस अपने अपने घर को जा सकते हैं। पीयूष से माफी मांगने के बाद श्रेया ने साइना और राजवीर की तरफ देखते हुए कहा तो राजवीर साइना की तरफ देखने लगा। उन दोनों में से तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन साइना की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि श्रेया की बातों और उसके शब्दों से वो कितना आहत थी। संजना ने भी वो सब सुनकर एक नजर उठाकर अभिषेक की तरफ देखा। अभिषेक भी संजना की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तू ये सब क्या बोल रही है श्रेया, अगर ये गलत फहमी थी तो वो तो किसी को भी हो सकती है, इतनी सी बात के लिए तू साइना और श्रेया के ऐसे कठोर शब्दों पर अभिषेक उसे समझाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन श्रेया ने उसे हाथ से इशारे से रोकते हुए कहा, नहीं भैया बात सिर्फ गलत फहमी या गलत समझने की नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा है। फिर भी साइना वहां से कहीं नहीं गई, लेकिन आर्यन को श्रेया की उन बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो गुस्से में पैर पटकते हुए हॉल से बाहर चला गया। हाँ हम भी चलते हैं, साइना के माता पिता श्रेया के माता पिता की तरफ देखते हुए बोले और रायमा और आरव को साथ लेकर वहां से बाहर निकलने लगे। चलो साइना बेटा, हमें भी अब यहां से चलना चाहिए, वीना जी साइना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली और संजना के साथ बाहर की तरफ चली गई। श्रेया, श्रेया का नाम लेते हुए साइना उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन श्रेया वहां से साइना को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ चली गई और साइना के कदम भी उसके पीछे नहीं बढ़ पाए। राजवीर ने भी जब ये सब देखा तो वो साइना के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चलो यहां से अभी। राजवीर की बात सुनकर साइना ने भी सहमति से अपना सिर हिलाया और राजवीर का हाथ थामते हुए उसके साथ ही हॉल के गेट की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलने से पहले उसने एक बार फिर से पीछे मुड़कर श्रेया और बाकी सब की तरफ ठंडी सांस भरते हुए एक निगाह डाली, लेकिन राजवीर ने फिर से उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया और वहां से लेकर चला गया। आर्यन कहाँ है? राजवीर के साथ कार में बैठने के थोड़ी देर बाद साइना ने नोटिस किया तो उसने पूछा, क्योंकि कार में उस वक्त राजवीर साइना संजना और वीना जी ही थे। हाँ वो मम्मी पापा आरव और रायमा को ड्रॉप करने गया है, दो गाड़ियां थी ना तो मैंने उसे बोला उन लोगों को घर छोड़कर तब घर आ जाएगा वो। राजवीर ने कार ड्राइव करते हुए साइना की बात का जवाब दिया। हाँ लेकिन बेकार में परेशान होगा आर्यन, मम्मी पापा सब चले जाते ना। साइना राजवीर की बात पर बोली, अरे नहीं आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद इट्स नॉट सेफ साइना, इसलिए मैंने बोला आर्यन को, डोंट वरी वो आ जाएगा। राजवीर साइना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे आंखों से इशारा करते हुए बोला, ओके। साइना ने जवाब में बस इतना ही कहा और फिर चुप होकर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। राजवीर भी कुछ नहीं बोला और कार ड्राइव करने लगा। वो समझ रहा था कि साइना को वक्त चाहिए और वो उसे वक्त दे भी रहा था खुद से ठीक होने के लिए। कुछ ही देर में वो चारों शेखावत मेंशन पहुंच गए और कार से उतरकर सभी घर के अंदर चले गए। दूसरी तरफ साइना और बाकी सबके वहां से चले जाने के बाद हॉल में सिर्फ श्रेया और पीयूष के परिवार वाले ही बचे थे। सबके चले जाने के बाद श्रेया की विदाई की रस्म होती है और पीयूष और अपने ससुराल वालों के साथ मल्होत्रा हाउस में आ जाती है। आर्यन रायमा और उसकी फैमिली वालों को उनके घर ड्रॉप करता है और फिर कार से उतर कर जाते वक्त रायमा की माँ रोहिणी जी आर्यन से बोली, थैंक्स बेटा आओ अंदर चलो। नहीं आंटी जी अभी मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया है, फिर कभी आऊंगा, आर्यन मना करते हुए बोला। ठीक है बेटा ध्यान से जाना,
बोलते हुए रोहिणी जी भी घर के अंदर चली जाती हैं। आरव और उसके पापा पहले ही घर के अंदर जा चुके होते हैं। थैंक यू आर्यन, बोलती हुई रायमा भी अपनी माँ के पीछे ही घर के अंदर जाने लगती है। तभी आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और रोकते हुए पूछता है, थैंक्स, लेकिन किस लिए? फॉर योर हेल्प, रायमा बिना उसकी तरफ देखे हुए जवाब देती है। वो हेल्प मैंने नहीं, राज भैया ने की, उन्होंने ही पता किया था, इसलिए थैंक्स तुम उन्हें ही बोल देना। बोलते हुए आर्यन ने नाराजगी से रायमा का हाथ छोड़ दिया और मुड़कर वापस कार की तरफ जाने लगा। अरे लेकिन राजीजू के साथ तुम भी तो थे ना, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्या हुआ? रायमा आर्यन के सामने आती हुई बोली। तभी अचानक से आर्यन को कुछ याद आया और उसकी नाराजगी भी कुछ पल के लिए दूर हो गई और वहीं रुक गया और रायमा से पूछने लगा, एक बात बताओ, तुम्हें किडनैप किसने किया था? सच में उस रवि ने ही, लेकिन वो अकेला तो ये सब नहीं कर सकता ना। पता नहीं, मैं देख नहीं पाई थी, श्रेया दे के घर के रास्ते में थी और जिस टैक्सी में बैठी थी अचानक ही उसमें कुछ धुआं सा हुआ और फिर मैं बेहोश हो गई। आंख खुली तो उस जगह पर थी, उस घर में जहां तुम और राजीजू थे मेरे सामने। उस बीच का बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं क्योंकि मैं बेहोश थी, रायमा ने सब कुछ याद करते हुए आर्यन को बताया। ओके, इसका मतलब कि कोई तुम पर नजर रखे हुए था, रायमा की पूरी बात सुनकर आर्यन थोड़ा सोचते हुए बोला। हाँ लेकिन रवि ऐसा कुछ करेगा मैंने तो सोचा ही नहीं था, रायमा थोड़ा परेशान होती हुई बोली। मैंने तो इतनी बार वॉर्न किया था तुम्हें उस रवि को लेकर, लेकिन तुम कहाँ मेरी कोई भी बात इतना सीरियसली लेती हो कभी भी, आर्यन मुंह बनाते हुए नाराजगी से बोला। आई एम सॉरी ना, सॉरी प्लीज मेरी तरफ देखो, रायमा अपना कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए आर्यन के सामने आई तो आर्यन उसे इस तरह देखकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ा और उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बस बस, ज्यादा क्यूट बनने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से प्लीज थोड़ा अवेयर रहना। ओके, ध्यान रखूंगी मैं, और अगर नहीं भी रख पाई तो तुम तो हो ही ना, रायमा काफी अलग नजरों से आर्यन की तरफ देखते हुए बोलती है तो आर्यन थोड़ा झेप जाता है और तभी उसका फोन रिंग होता है। वो अपने पॉकेट से निकाल कर मोबाइल देखता है तो वो राजवीर की कॉल होती है। किसकी कॉल है, रिसीव करो ना, रायमा आर्यन को ऐसे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए देखकर बोली। घर से है, भैया की कॉल है, रायमा की बात का जवाब देते हुए आर्यन कॉल रिसीव कर लेता है। हाँ भैया, बस निकल ही रहा था यहाँ से, वैसे ही आपकी कॉल आ गई, आर्यन बोला। ओके, हाँ हाँ ठीक है, घर आकर बात करते हैं, राजवीर ने कॉल कट की। फिर आर्यन ने मोबाइल वापस अपनी जेब में रख लिया। हाँ तुम्हें जाना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे और फिक्र भी, रायमा आर्यन से बोलती है। तभी अंदर से उसकी माँ की आवाज भी आ जाती है। रायमा बेटा कहाँ रह गई? हाँ माँ बस आई, रायमा अपनी माँ की आवाज का जवाब देती है। तुम्हें भी जाना चाहिए घर के अंदर, रायमा की माँ की आवाज सुनकर आर्यन रायमा से कहता है। तो रायमा सहमति से अपना सिर हिलाती है और घर की तरफ जाने लगती है। रायमा को वहां से जाता देखकर आर्यन भी अपनी कार की तरफ बढ़ता है। तभी रायमा जल्दी से वापस आर्यन की तरफ आकर उसे गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच आर्यन, सिर्फ बचाने का, हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि मेरी फिक्र करने और मेरी दी और राजीजू का साथ देने के लिए भी। रायमा के इस तरह से अचानक आकर गले लगने की वजह से आर्यन कुछ पल को तो शॉक्ड रह जाता है और चाहकर भी वापस रायमा को गले नहीं लगा पाता। रायमा भी कुछ ही पल में उससे दूर होकर जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। वो दोनों ही कुछ नहीं बोलते और आर्यन भी अपनी कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। क्या है ये लड़की भी, कभी इतनी रूड होती है और कभी इतनी स्वीट। कार ड्राइव करते वक्त रायमा के बारे में सोचते हुए आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। राजवीर काफी देर तक आर्यन का वेट करता है, लेकिन आर्यन को आने में थोड़ी देर हो जाती है तो राजवीर सोचता है कि वो आर्यन से कल सुबह बात कर लेगा, इसलिए वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। और राजवीर जब अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि साइना अपनी आंखें बंद करके बेड पर इस तरह लेटी हुई है जैसे कि सो गई हो, लेकिन राजवीर समझ जाता है कि वो जाग रही है और बस सोने का दिखावा कर रही है। वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेसफुल डे, थक गया मैं तो, लेकिन तुम तो थक कर सो ही गए, वो भी इतनी जल्दी, राजवीर बेड पर बैठते हुए जानबूझकर साइना को सुनाने के लिए बोला। साइना राजवीर की सारी बातें सुनती है लेकिन फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप से उसी तरह लेटी होती है और दूसरी तरफ करवट घूम जाती है। अब पता नहीं हमने क्या कर दिया, जो हमसे भी बात नहीं करनी है,
खैर कोई बात नहीं, कल ही बात होगी। बोलते हुए राजवीर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और खुद भी साइना के बगल में लेट जाता है। आंखें बंद किए हुए साइना राजवीर की सारी बातें सुनती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देती उस वक्त। इसलिए उसे काफी बुरा लगता है कि इन सब में तो राजवीर की कोई गलती नहीं, बल्कि वो तो हर कदम पर उसके साथ ही था, और वो भी नहीं चाहता था कि श्रेया की शादी उस पीयूष मल्होत्रा से हो। लेकिन वो दोनों मिलकर भी शादी नहीं रोक पाए। लेकिन फिर भी साइना का इस वक्त कोई भी बात करने का मन नहीं था, इसलिए ही वो कुछ नहीं बोलती है। आज सुबह से लेकर अभी तक जितना कुछ हुआ है, सब कुछ उसे फिल्म की तरह उसके दिमाग में और आंखों के सामने चल रहा था। साइना ने कसकर अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के कोर से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गए। नींद तो उसकी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कितनी देर तक वो इसी तरह आंखें बंद करके लेटी रही। लेटने के बाद राजवीर भी कुछ नहीं बोला और उसने सिर्फ अपना हाथ साइना के ऊपर रखकर उसे अपने करीब कर लिया और उसे गले से लगाकर उसके पास ही लेट गया। क्योंकि वो जानता था भले ही साइना इस वक्त उससे बात ना करे, लेकिन उसे उसकी जरूरत तो थी। आर्यन घर वापस आता है और टाइम देखता है तो काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि राजवीर शायद अब तक सोने के लिए चला गया होगा। इसलिए आर्यन भी अपने कमरे में आ गया और चेंज करके रेस्ट करने लगता है। उसके दिमाग में रायमा की कही बातें घूम रही थी और वो राजवीर को भी ये सब बताना चाहता था और फिर जल्दी से जल्दी सच का पता भी लगाना चाहता था। रात के उस वक्त नींद तो संजना को भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ भले ही वो सब उससे जुड़ा नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ असर तो आखिर उसकी लाइफ पर भी पड़ने ही वाला था। और आज जो कुछ भी हुआ उसमें संजना शामिल ना सही, लेकिन देखा और सुना तो उसने भी सब कुछ था। अगर भैया और भाभी बोल रहे थे तो श्रेया को सुननी चाहिए थी उनकी बात। वो थोड़ी ना उनका बुरा चाहेंगी कभी भी, लेकिन श्रेया को तो पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया हो उस पर। और अभिषेक, संजना अपने कमरे में इधर से उधर चलती हुई खुद में ही बड़बड़ा रही थी। ये उसकी आदत थी, वो जब भी परेशान होती या फिर किसी टेंशन में होती तो इसी तरह टहलते हुए खुद से बातें करती थी। अभिषेक, हाँ उससे बात करती हूँ, नींद तो उसे भी नहीं आई होगी इतना सब होने के बाद। बोलते हुए संजना अपना फोन उठाती है और बेड पर बैठकर अभिषेक को कॉल लगाने लगती है। बेल रिंग होती है, लेकिन उधर दूसरी तरफ से अभिषेक कॉल रिसीव नहीं करता, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर संजना का नाम देखकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। डिस्कनेक्ट कर दिया? आई नो अभिषेक, तुम डिस्टर्ब हो गए इस वक्त, हम सब भी हैं डिस्टर्ब, लेकिन मुझसे तो बात कर ही सकते हो ना, मेरी क्या गलती है इन सब में। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर अभिषेक की तस्वीर देखते हुए संजना बोलती है और अभिषेक का नंबर दोबारा डायल करती है, लेकिन इस बार भी अभिषेक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। दोबारा फिर से कॉल डिस्कनेक्ट होने पर संजना फोन बेड पर पटक देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मल्होत्रास का विला भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर बना होता है, साथ ही शादी वाला घर होने की वजह से इस वक्त तो फूलों और लाइट की सजावट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई होती है, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा तनाव भरा माहौल होता है, शायद आज शादी के हॉल में जो कुछ भी हुआ उस वजह से। श्रेया विदा होकर घर के अंदर आती है और ये सब नोटिस करती है। उसकी सास उसके गृह प्रवेश और आरती की रस्म करती है, लेकिन घर में सभी को देखकर लगता है कि कोई भी इस शादी से ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए सभी श्रेया की तरफ काफी रूखा बर्ताव करते हैं और ज्यादातर लोग तो उसके घर में आने से पहले ही अपने अपने कमरों में भी जा चुके होते हैं। सिर्फ उसकी नंद सास और एक दो और औरतें ही उसके गृह प्रवेश के वक्त दरवाजे पर होती हैं। बाकी पीयूष के अलावा कोई भी आदमी वहां पर नजर नहीं आता है। गृह प्रवेश के कुछ देर बाद पीयूष की बड़ी बहन गरिमा श्रेया को एक कमरे के अंदर लेकर जाते हुए बोलती है, ये रहा पीयूष का कमरा, खुशकिस्मती से अब तुम्हारा भी है। वो फूलों से सजा हुआ एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक गोल किंग साइज बेड पड़ा हुआ होता है और उसके साथ ही उस कमरे में बाकी सारा सामान भी एकदम ब्रांडेड और एंटीक किस्म का लगता है। श्रेया को ऐसी चीजें जल्दी नहीं पसंद आती थी, उसे ज्यादातर सिंपल चीजें ही अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें उस कमरे के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी और वहाँ की खूबसूरती में इजाफा भी कर रही थी। श्रेया कमरे के अंदर आते हुए चारों तरफ नजरें घुमाकर सब कुछ देख रही थी, लेकिन गरिमा दी की बातें उसे एक ताने की तरह लगी, लेकिन फिर भी श्रेया ने उन्हें उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। पीयूष आता ही होगा, तुम वेट करो जब तक। वैसे तो कितनी सारी रस्में होती हैं शादी के बाद भी,
लेकिन क्या कर सकते हैं, मन ही उठ गया इन सबसे तो आज जो हुआ उसके बाद। ये बोलते हुई गरिमा दी तो उस कमरे से बाहर चली गई और श्रेया ने उनके जाने के बाद अपना दुपट्टा सिर से हटा दिया और बेड पर सजे थोड़े फूल एक साइड में करती हुई बेड पर ही एक किनारे टेक लगाकर बैठ गई। उसने बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की हुई थी कि तभी दरवाजे पर कुछ आहट हुई और वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। दरवाजे पर पीयूष था जो कि कमरे के अंदर आकर दरवाजा अंदर से बंद कर रहा था। श्रेया ने पीयूष को देखकर कुछ बोलना चाहा लेकिन पीयूष उसे नजरअंदाज करते हुए वॉशरूम में चला गया और श्रेया उसी तरह से बैठी उसका वेट करने लगी। कुछ देर बाद पीयूष वॉशरूम से निकल कर आया और फिर श्रेया से बिना कुछ बोले ही लाइट्स ऑफ करके बेड के एक साइड पर लेट गया श्रेया की तरफ पीट करके। श्रेया के लब कुछ बोलने के लिए हिले लेकिन फिर उसके शब्द अपने मुंह में ही अटक कर रह गए और वो भी चुपचाप बेड के दूसरी साइड पर लेट गई। अगली सुबह जब राजवीर सोकर उठा तो उसने देखा कि साइना बेड पर नहीं थी। राजवीर ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। टाइम देखकर वो एकदम से हड़बड़ाकर बेड पर उठकर बैठा और खुद से बोला, क्या मैं इतनी देर तक सोता रहा? अरे हाँ, कल सोया भी तो लेट था, लेकिन साइना वो कैसे इतनी जल्दी उठ गई? उसकी आंख तो नॉर्मल दिन में भी इतनी जल्दी मुझसे पहले कभी नहीं खुलती। राजवीर उठा और पूरे कमरे में साइना को ढूंढने लगा। उसे साइना की फिक्र हो रही थी क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसमें साइना का कोई दोष नहीं था, बल्कि वो तो श्रेया का अच्छा ही करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसे कितना कुछ सुनना और सहना पड़ा था। राजवीर से भी उसने इस बात को लेकर पूरे रास्ते और फिर रात में वापस आने के बाद भी कोई बात नहीं की थी, इसलिए राजवीर भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर साइना के मन में इस वक्त चल क्या रहा है। नीचे होगी, रेडी होकर निकलता हूँ रूम से। राजवीर की नजर साइना के मोबाइल पर पड़ी जो वहीं पर साइड में रखा हुआ था, तो राजवीर समझ गया कि साइना किचन में या माँ के साथ बैठी होगी, इसलिए थोड़ा राहत की सांस लेते हुए वो अपने कपड़े निकालने लगा। बाय मॉम, बाय भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। संजना अपने कमरे से निकल कर डायरेक्ट घर से बाहर की तरफ जाती हुई अपनी माँ और साइना से बोली। साइना तो जैसे किसी रोबोट की तरह काम में लगी हुई थी, उसने शायद संजना की आवाज सुनी भी नहीं और किचन में चली गई। वो बस किसी भी तरह से अपना ध्यान कल सारी हुई बातों पर से हटाना चाहती थी, फिर चाहे काम करके या सबको इग्नोर करके वो ये कर पाए, लेकिन ऐसा करने से कहां सब कुछ नॉर्मल होता है। अरे लेकिन नाश्ता तो कर ले बेटा, भूख नहीं लगी तुझे? वीना जी संजना को रोकते हुए बोली, लेकिन वो उनकी बात सुनकर भी नहीं रुकी और तेज कदमों से बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ती हुई बोली, लेट हो गया है मॉम, कॉलेज कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी, बाय। बोलती हुई संजना हड़बड़ी में बाहर चली गई। क्या है इस लड़की का भी, कुछ समझ में नहीं आता, कभी एकदम आराम से रहती है और कभी इतनी जल्दबाजी में है, बिना कुछ खाए ही चली गई। संजना के इस तरह से चले जाने पर वीना जी खुद में ही बड़बड़ा रही थी। तभी साइना भी किचन से निकल कर आई और सिर्फ कॉफी का कप लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। हे भगवान, क्या हो गया सबको? साइना बेटा तुम तो नाश्ता कर लो कम से कम, कि बाकी सबके लिए बनाने और खिलाने के लिए ही आई थी यहाँ। साइना को इस तरह से सिर्फ कॉफी मग हाथ में लेकर जाते हुए देखकर वीना जी साइना से बोली, क्या मम्मी जी कुछ कहा आपने? शायद साइना के कान में वीना जी की आवाज पड़ी तो वो जाते हुए रुक कर बोली, मॉम बोल रही हैं नाश्ता करो बैठकर चुपचाप, क्या सिर्फ कॉफी लेकर रूम में जा रही हो? सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ राजवीर उसको हाथ पकड़कर अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाता हुआ बोला, नहीं वो मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। साइना थोड़ा नानुकुर करती हुई बोली, लेकिन राजवीर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और एक चेयर आगे करते हुए बोला, अब बैठो चुपचाप यहाँ। हाँ बेटा, कल रात भी तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया और आज भी, ऐसे खाने से नाराज नहीं होते और तुम तो इतनी समझदार हो, फिर भी? वीना जी साइना को समझाती हुई बोली। उनकी बातें सुनकर साइना कुछ नहीं बोली, उसने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और चुपचाप उसी चेयर पर बैठी रही। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और कॉफी मग डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बिल्कुल सही कहा मॉम ने, खाने से नाराज नहीं होते, चाहे कुछ भी बात हो, खाने ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोलते हुए राजवीर एक सैंडविच उठाकर साइना के चेहरे के सामने करता हुआ बोला, चलो खाओ। उन दोनों के इतना बोलने पर साइना ने भी आखिरकार मुंह खोलकर एक बाइट खा लिया और अपनी कॉफी पीने लगी।
ऐसे अपनों की बातों को दिल से नहीं लगाते। जो भी है तुम्हारा और श्रेया के बीच में वो सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दो उसे भी और अपने आप को भी। वीना जी ने मुस्कुराते हुए साइना के सिर पर हाथ फेरा और राजवीर और साइना को डाइनिंग टेबल पर अकेले छोड़कर वहां से चली गई। राजवीर उसे जबरदस्ती कुछ न कुछ खिलाया जा रहा था अपनी प्लेट से ही, और साइना एक दो बार मना करने के बाद आखिरकार थोड़ा बहुत खा ले रही थी, लेकिन वो अभी भी चुप थी। और राजवीर को साइना इतनी चुप और खामोश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बात करने से चीजें बेहतर होती हैं, इस तरह चुप रहोगी तो खुद को ही तकलीफ दोगी बेवजह। बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे तो बता ही सकती हो। राजवीर ने साइना के मुंह पर लगा हुआ सॉस साफ करते हुए एकदम प्यार और अपनेपन से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो साइना थोड़ी हैरानी और टेंशन के मिले जुले भाव के साथ राजवीर को ही देखने लगी और फिर अचानक से उसके गले लगते हुए बोली, श्रेया वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं कभी उसका बुरा चाहूंगी। कोई कुछ भी बोले, मैं तो कभी नहीं मान सकती कि श्रेया मेरा कुछ भी बुरा करेगी, तो फिर उसने कैसे मान लिया इतनी आसानी से, कैसे राज कैसे। राजवीर के गले लगी हुई साइना रोते हुए एक के बाद एक राजवीर से सवाल करती ही जा रही थी। जितना कुछ था उसके मन में सब कुछ वो बस बोल देना चाहती थी और पूछना चाहती थी राजवीर से या बाकी सबसे अपने सारे सवालों के जवाब। चुप हो जाओ, ऐसे रोने का कोई फायदा नहीं है, श्रेया भी पूरी तरह से गलत नहीं है। पता है अगर हम उसके नजरिए से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो गलत तो बस ये वक्त और हालात हैं, लेकिन ज्यादा दिन ऐसे ही थोड़ी न रहेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मॉम ने कहा ना अभी कि थोड़ा वक्त दो और इस बारे में अभी बिल्कुल भी मत सोचो, राजवीर बोला। हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, मैं ही कुछ ज्यादा इफेक्ट हो रही हूँ इस बात को लेकर, राजवीर से थोड़ा दूर होती हुई साइना अपने आंसू पोंछती हुई बोली। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, आज तक शायद कभी तुम्हारे और श्रेया के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी इसलिए ही, और कहीं ना कहीं श्रेया भी इस बात से इफेक्ट जरूर होगी और उसे समझ आएगा कि वो गलत कहाँ थी। राजवीर स्माइल करते हुए साइना को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए बोला, शायद वैसे आप ऑफिस जा रहे हैं ना। साइना ने राजवीर को पूरा रेडी देखकर बात बदलते हुए पूछा, तुम बोलो तो नहीं जाता हूँ, कॉल कर दूंगा ऑफिस में। साइना की बात सुनकर राजवीर ने अपने आईब्रोज अप करते हुए साइना से सवाल किया, अरे नहीं आप चले जाइए ऑफिस, और मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मुझे भी घर ड्रॉप कर दीजिएगा, रायमा और घर पर सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, कल किसी से भी ठीक से मिल नहीं पाए और इतना कुछ हो भी गया कल ही, पता नहीं सबने कैसा रिएक्ट किया होगा रायमा की किडनैप होने वाली बात को लेकर, साइना राजवीर से बोली। अच्छा ठीक है चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मॉम से बता दिया तुमने, राजवीर साइना की बात समझते हुए बोला। और वो खुद भी यही चाहता था कि साइना इस वक्त दूसरी बातों और अलग किसी चीज में अपना दिमाग लगाए जिससे कि कल वाले इंसिडेंट से उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो सके। नहीं बस अभी मन में आया तो आपसे ही बोला, साइना राजवीर की बात सुनकर बोली। ठीक है तुम अपना मोबाइल पर्स बाकी सामान ले आओ रूम से, जब तक मैं मॉम को बताकर बाहर कार में वेट करता हूँ तुम्हारा, राजवीर ने साइना से कहा। तो साइना उठकर रूम की तरफ चली गई और राजवीर भी अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया। मेरे साथ आप भी घर के अंदर चलते तो सभी को बहुत अच्छा लगता, राजवीर साइना के घर के सामने कार रोकता है तो उतरते वक्त साइना राजवीर से बोली। आऊंगा ना मैं शाम को तुम्हें लेने, तब मिल लूंगा सबसे, अभी ऑफिस जा ही रहा हूँ तो लेट क्यों करना, राजवीर मुस्कुरा कर साइना की बात का जवाब देता है। शाम को क्यों, इतनी जल्दी वापस नहीं आ रही मैं, साइना कार से उतरते हुए थोड़ा मुस्कुराती हुई बोली। अरे ये कौन सी बात हुई, तुमने तो बोला था कि सबसे मिलना है बस। राजवीर झांक कर कार की खिड़की से बाहर साइना को देखता हुआ बोला, एक हफ्ते बाद आऊंगी मैं तो अब वापस, बोलती हुई साइना घर के अंदर जाने लगी। ठीक है रह लो मेरे बिना, तो रुक जाना एक हफ्ता या दो हफ्ता जितने भी दिन, राजवीर उसकी बात पर बोला और वापस अपनी कार बैक करने लगा वापस जाने के लिए। बाय, साइना ने जाते हुए राजवीर से कहा और राजवीर ने मुड़कर स्माइल करते हुए ही साइना की तरफ देखा और फिर कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। अरे दीदी आप किसे बाय बोल रही थी, जीजू को, साइना की आवाज सुनकर आरव घर से बाहर आता हुआ बोला। हाँ ज्यादा तेज आवाज में बोल दिया क्या, घर के अंदर तक चली गई आवाज, आरव के सवाल पर साइना ने थोड़ा सोचते हुए उससे पूछा। अरे नहीं मैं तो यहाँ हॉल में ही था इसलिए आवाज सुनकर मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई है, चलिए ना अंदर, और जीजू क्यों नहीं आए, साइना की बात का जवाब देते हुए आरव बोला। ऑफिस जाना था तेरे जीजू को इसलिए बस मुझे ड्रॉप करके ही चले गए, चल अंदर चलते हैं,
बोलते हुए साइना ने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके बाल बिगाड़े और उसके साथ घर के अंदर आ गई। क्या दीदी, बाल तो मत खराब किया करो, इतनी मुश्किल से सेट होते हैं। आरव अपने हाथ से बाल ठीक करते हुए मुंह बनाते हुए बोला तो साइना उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगी। अरे साइना बेटा, तुम सब ठीक तो है ना? अकेली आई है क्या? साइना को देखकर उसके आगे पीछे झांक कर देखते हुए साइना की माँ रोहिणी जी खुशी और टेंशन के मिले जुले भाव से बोली, अकेली नहीं आई हूँ माँ, राज ने ड्रॉप किया है यहाँ तक, सब ठीक है, बस आपसे और बाकी सबसे मिलने का मन था तो आ गई। पापा तो ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन रायमा, रायमा कहाँ है, वो नहीं दिख रही। अपनी माँ की बात सुनकर साइना इधर उधर रायमा को देखते हुए बोली, अपने कमरे में है क्या? साइना ने फिर से सवाल किया और रायमा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अरे तुम बैठो तो बेटा, रायमा कॉलेज गई है, आ जाएगी। रोहिणी जी उसे रोकते हुए बोली, अरे माँ कॉलेज क्यों जाने दिया आपने रायमा को, रहने देती ना आज कॉलेज, पता नहीं ठीक होगी या नहीं, कल ठीक से ना मिल पाई ना ही बात हो पाई उससे मेरी। साइना थोड़ी परेशान होती हुई बोली, अरे नहीं ठीक है, वो आ जाएगी, और तू टेंशन क्यों ले रही है, कॉल करके बात कर लेना। रोहिणी जी किचन में जाती हुई बोली, अरे दी रायमा को कुछ नहीं होता, फालतू टेंशन ले रही हो, बहुत तेज है वो, जैसे मुझसे लड़ती है ना वैसे बाकी सबको भी सबक सिखा देगी, डोंट वरी। आरव अपने मोबाइल पर गेम खेलते हुए एक नजर उठाकर साइना की तरफ देखते हुए बोला तो साइना ने भी मुस्कुरा दिया। श्रेया रात को उसी तरह अपने शादी के जोड़े में ही बेड पर लेटे लेटे सो गई थी और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पीयूष रेडी होकर बस कमरे से बाहर निकलने ही वाला था। पीयूष जी, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे आपसे बात। श्रेया उसे इस तरह रेडी होकर कहीं जाता हुआ देखकर बोली, क्या क्या बात करनी है तुम्हें, कुछ बचा भी है बात करने को? तुम्हारी उस सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने कोई इल्जाम छोड़े हैं क्या जो अब तुम लगाना चाहती हो मुझ पर? श्रेया के कुछ शब्द ही बोलने पर पीयूष लगभग उस पर बरसता हुआ बोला, ये सब क्या बोल रहे हैं आप पीयूष जी, मुझे क्या पता था मेरी फ्रेंड ऐसा कुछ करने वाली है, और मैंने कहा उसकी कोई भी बात मानी, मैंने तो आप पर विश्वास किया, लेकिन फिर भी आप। श्रेया बोल ही रही थी कि पीयूष उसकी तरफ बढ़ा और अपने हाथ से उसने कसकर श्रेया की कलाई पकड़ लिया। श्रेया ने चूड़ियां पहनी हुई थी और पीयूष ने उसके हाथ को इतना कसकर पकड़ा कि कुछ चूड़ियां भी टूट गए और श्रेया को उनसे चोट भी लग गई। और श्रेया जो कि पहले ही पीयूष की तानों भरी बातों से दुखी थी, चोट लगने से उसकी आंखों में लगभग आंसू भर आए और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, पीयूष जी आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का, लेकिन कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे, और कहीं भी जा रहा हूँ तुम्हें बताना भी मैं जरूरी नहीं समझता, बेहतर होगा कि तुम अगली बार ऐसा कोई सवाल करने से पहले दो बार सोच लो। बोलते हुए पीयूष ने झटके से श्रेया की कलाई छोड़ दी और तेज कदमों से कमरे के बाहर चला गया। पीयूष के जाने के बाद श्रेया दीवार से लगकर वही जमीन पर बेसुध सी बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे जो कि अब तक उसने किसी तरह से अपनी आंखों में ही रोक रखे थे। बहुत अच्छा तोहफा दिया है साइना तूने मुझे शादी का, शादी की अगली सुबह, ऐसी तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, तूने सब बर्बाद कर दिया साइना, सब बर्बाद। अपने हाथ से निकलते खून को देखकर श्रेया परेशान सी थोड़ी तेज आवाज में खुद से बोली और कुछ देर उसी तरह से वही जमीन पर ही बैठी रही।